Okay, so welcome everyone. This is Scientia's second cohort of science writing internship, and this is FOSS. And today we have invited Dr. Salman Hamid, and he will be giving his talk on Big Bang Refuted and other example of bad astronomy and communication. And initially, I would like to introduce Dr. Salman. Dr. Salman is a professor of astronomy at Hampshire College and also the Charles Taylor Chair at the university. And Dr. Salman is also the founder and CEO of Kainat Astronomy, which has been reshaping the narrative of astronomy within the Global South. And he has his videos and his work has been watched by thousands of viewers all over the Global South and all over the world. And his work includes communicating astronomy and further also the ethical concerns of space exploration and so on, and across multidisciplinary. And above all, he's a board member of Scientia, and he has been guiding and advising us in everything and all. And thank you, Dr. Salman, for joining us. Over to you. Baba chukriya pause bulane ka Scientia ka. Scientia jo hai wo zabardast kaam kar rahi hai. I see ke sadka bhi aa gayi hai. To assalamu alaikum. To aap log jo hai काम बहुत जबरदस्त हो रहा है आप लोगों का. सो थैंक यू. राइट, और साइंस कम्युनिकेशन जो है इस वक्त इंटरेस्ट भी है पाकिस्तान में, और चीजें बढ़ सकती हैं, मगर अच्छी साइंस कम्युनिकेशन जो है बहुत जरूरी है. तो मैं एक जनरल कमेंट दे दूं, और वो इस चीज का है कि, और इनफैक्ट अभी जो मेरी जो टॉक है वो इसी चीज के ऊपर है कि क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत आराम से मिल जाती है, इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत आसानी से मिल जाती है, तो जो बहुत आसानी है गलत इंफॉर्मेशन की, बहुत आसानी है शॉर्टकट्स की. राइट, और आई थिंक एआई का भी बहुत आ रहा है वगैरह वगैरह. फॉस को तो पता है, वी इंटरैक्ट अबाउट दैट क्वाइट अ बिट, कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह अगर आप खाने की बात करते हैं, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स है या आप किसी एक खास स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट, इसी तरह से एक मास प्रोडक्शन की न्यूज है जो कि शॉर्टकट से फौरन से जो है वो मिल जाती है, और आपकी एक बेहतर न्यूज है, और जो बेहतर न्यूज है अल्टीमेटली उसकी वैल्यू ज्यादा होगी. क्वेश्चन हमें जो देखना होता है वो ये है कि किस चीज की एक्चुअल में वैल्यू है. राइट, तो मेरी ख्वाहिश होगी, मैं जो लाइक यू नो, या हमारी अपनी कोशिश भी ये होती है कि कोई चीज भी करें वो अच्छी करें और उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू हो. तो जब हम, और उसमें टाइम लगता है, हमें कोई ऐसी चीज नहीं है, गलतियां भी होती हैं, मुख्तलिफ है, उसकी बात नहीं है, लेकिन एक आपकी इंटेंशन जो है वो इस चीज के ऊपर होनी चाहिए. सो लेट मी स्टार्ट, ताकि फिर हम इस सिलसिले में, ये मेरा बेसिक बड़ा फ्रेम है, और फिर ज्यादातर बात जो है वो इसी सिलसिले में करेगी. और मैंने फौज को बताया था कि मैं अब आप लोगों को नहीं देख सकता, मैं अब खाली स्क्रीन के ऊपर हूँ, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पहले 20 मिनट जो है मैं बात करूं, और उसके बाद जो है आप लोगों के सवाल जवाब, क्योंकि होपफुली ये कुछ प्रोवोक करेगी चीजों की. ये मैंने पिछले साल भी जब बात की थी कि एक बेसिक साइंस कम्युनिकेशन की, मेरे लिहाज से, अगेन हर एक के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, मेरे लिहाज से ये तीन चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ऑनेस्टी, एक्यूरेसी और स्टोरी टेलिंग. ऑनेस्टी की बात यह है कि जो भी चीज है साइंस के हिसाब से, आपको उसके सिलसिले में बात करनी जो है वो जरूरी है, या आप ये कह सकते हैं कि कम से कम उसको प्रेजेंट करना ऑनेस्टली जो है वो भी जरूरी है. उसमें दो चीजें आती हैं, ये मैंने एग्जांपल दी, मिसाल है यहाँ पर, ये मैं अपने यूट्यूब के, मैं कुछ आपके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन तो वो आसान थी तीनों के. उसमें एक तो ये है कि जिस तरह से सवाल आता है कि जमीन पर जिंदगी किस तरह से शुरू हुई, कुछ लोग जो है वो इसको कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल समझते हैं. तो नहीं, ये कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं है इस लिहाज से कि साइंस जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, साइंटिस्ट जो है वो इसके हिसाब से देख रहे हैं कि जिंदगी किस तरह से शुरू हुई, ये एक साइंसी सवाल है. इसका एक आप एक मजहबी सवाल भी कर सकते हैं, श्योर, इसको आप किसी और तरीके से भी देख सकते हैं, श्योर, लेकिन अगर हम यहाँ पर साइंस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये एक साइंसी सवाल भी है.
राइट। तो इस सिलसिले में दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हाँ इसको साइंटिफिकली लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और काफी प्रोग्रेस है इस सिलसिले में। इसी किस्म की चीज जो है वो कि जमीन कैसे शुरू हुई, वो भी एक जमाने में बहुत सारा इसी किस्म का सवाल था, किसी को नहीं पता था, लेकिन अब हमें उसके बारे में काफी हद तक पता है, काफी सर्टनिटी है कि हमारा निजाम शमसी और जमीन कैसे बनी। ये जो सवाल है जमीन की जिंदगी किस तरह से शुरू हुई उसके बारे में अभी हमें इतना नहीं पता, लेकिन काफी पता है। तो ऑनेस्टी के सिलसिले में एक एंगल तो यह है कि ये साइंसी सवाल है, इसका साइंसी लोग जो है वो उसकी रिसर्च कर रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि ये भी कहना कि क्या हमें एग्जैक्टली पता है, जवाब पता है इस चीज का, अभी तक तो नहीं पता, क्योंकि ये एक ज्यादातर साइंस जो है वो इंटरेस्टिंग इसीलिए होती है जहां पर हमें जवाब नहीं पता होता, जहां पर जवाब पता होता है वहां पर रिसर्च ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती। अगर आज आप रिसर्च करना चाहें कि यार जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है या नहीं घूम रही, वो इतने इंटरेस्टिंग सवाल नहीं है रिसर्च का, राइट। तो इसी हिसाब से ज्यादातर जो इंटरेस्ट होता है वो वहां पर होता है जहां पर हमें जवाब नहीं पता। तो ऑनेस्टी उस हिसाब से बताना जो है वो एक जरूरी चीज है। दूसरी चीज एक्यूरेसी की है, और आज जो है मैं इसी सिलसिले में काफी बात कर रहा हूं कि मैं इसकी मिसाल बाद में भी बात करूंगा कि जिस तरह से आपकी हेडलाइंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, बिग बैंग के बिग बैंग जो है वो रिफ्यूट हो गई, इस किस्म की खबरें, ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इस किस्म की चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं हेडलाइंस, और लेकिन एक्यूरेसी जरूरी है। और एक्चुअली हेडलाइंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एक्चुअल में असल खबर जो है वो शायद ना पढ़े लेकिन वो हेडलाइंस को पढ़ लेते हैं, तो उसके सिलसिले में एक्यूरेसी जो है वो जरूरी है, ठीक है। यहां पर जिस तरह मैं खाली मिसाल दे रहा हूं कि जिस तरह ये हमने जब थंबनेल बनाया था, थंबनेल के लिए आपको बनाते हैं ताकि लोग इसको देखें, मगर यहाँ पे देखें ऊपर जो है हमने हाउ टू थिंक क्रिटिकली वो जरूर ऐड किया था ताकि लोग ये ना समझें कि ये हम ऐड करें कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बिग बैंग को रिफ्यूट कर दिया, इवन दो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एज वेल, मगर हाउ टू थिंक क्रिटिकली जो है वो इंपॉर्टेंट था। तीसरी चीज ये कि स्टोरी टेलिंग, अगर आप कोई भी चीज बता रहे हैं साइंस के सिलसिले में भी किसी भी सिलसिले में भी, इंसान जो है वो कहते हैं कि वो जी आई मीन हम लोग जो है वो स्टोरीज के लिए ही बिल्ट अप हुए हैं, इनफैक्ट हमें मुश्किल होती है स्टोरी ना बताने में। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं इस सिलसिले में कि अगर आपको तीन रैंडम इमेजेस भी बताएं ह्यूमंस जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी उनको कनेक्ट कर देते हैं, दे लुक फॉर थ्रेड्स। तो स्टोरीज को बताना जो है किसी भी कहानी को अगर आप स्टोरीज के साथ लिंक करेंगे, स्टोरी टेलिंग कोई भी चीज है, साइंस जो है वो स्टोरी टेलिंग है, अगर आप उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट से लिंक करेंगे दैट इवन हेल्प्स मोर। तो ये एक थी कि जब हम कॉमेट्स की बात कर रहे थे तो मुझे मिर्जा गालिब जो है उन्होंने भी कॉमेट्स के बारे में लिखा था, तो इट कनेक्टेड लाइक यू नो सो एंड सो फॉर्थ। तो ये तो एक बड़ा जनरल एक साइंस कम्युनिकेशन के सिलसिले में वो है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का क्या फर्क क्या पड़ता है एस्ट्रोनॉमी का, अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं तो जिस तरह अभी जो कोविड है उसकी साइंस कम्युनिकेशन की चीज फर्क है, नेसेसिटी है, जरूरी है और वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनवायरनमेंट के सिलसिले में बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट किस्म की है, उसकी नेसेसिटी किस तरह से है। तो एस्ट्रोनॉमी का क्या वो है, एक तो यह कि पब्लिक एंगेजमेंट के हिसाब से वो जबरदस्त है, क्यों? वेल आई मीन पहली बात तो यह है कि सवाल जो है ओरिजिन्स के, हम यहां पर किस तरह से आए, जमीन जो है वो कायनात में कहां मौजूद है वगैरह वगैरह, क्या कोई और जिंदगी हो सकती है या नहीं, ये तमाम चीजें जो है वो एक फंडामेंटल लोगों के इंसानों के सवाल होते हैं, तो उसमें शौक होता है इन सवालों का। तो एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में कंपेयर्ड के बहुत सारे और फील्ड के मुकाबले में एक बिल्ट इन एडवांटेज है, क्योंकि उसके जो सवाल हैं उनमें लोगों को बहुत शौक है। दूसरी चीज यह है कि एस्ट्रोनॉमी में जो चीजें होती हैं बहुत सारी, वो कहते हैं कि वो स्ट्रेंजर देन फिक्शन, राइट। हमें बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की चीजें हैं जो पता चलता है कि हमारी कायनात में एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी चीजें जो हम नॉर्मली एक्सपीरियंस नहीं करते। तो मिसाल के तौर पे ये एक आर्टिस्ट की डिपिक्शन है एक ब्लैक होल की, सिग्नस X1, ये जो पहला ब्लैक होल था हमारी कहकशा में जो एक्चुअली कन्फर्म हुआ। ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, मैग्नेटार्स, ठीक है, क्वेजार्स, मुख्तलिफ क्या कहते हैं किस्म की सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो
गैलेक्सीज उनके टकराव, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज का टकराव, पल्सार्स वगैरह वगैरह। तो अगर आप खाली इन चीजों का ही जिक्र करें, नॉट टू मेंशन के डिस्टेंसेस कितने जबरदस्त हैं और बहुत सारी चीजें हैं, वो फैसिनेट कर देंगे, वो आपको एक जबरदस्त तरीके से हमारे जमीन के एक्सपीरियंस से आपको बाहर लेके जाती है। तो वो एक और चीज है। दूसरी चीज ये एस्ट्रोनॉमी में नेचुरली यार हमारी जो तस्वीरें हैं एस्ट्रोनॉमी में, नोबडी कैन बीट दैट राइट। अभी ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एक तस्वीर है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो खूबसूरती के साथ जो है वो लिंक्ड है। बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोनॉमी का शौक उस वक्त होता है जब वो पहली दफा उन्होंने सैटर्न की तस्वीर देखी या सैटर्न को टेलीस्कोप से देखा। इसी तरह यू नो साइंस कम्युनिकेशन के हिसाब से जो खूबसूरती नजर आती है इमेजेस की, वो इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, तो भारत पॉइंट ये है कि एस्ट्रोनॉमी में ये भी एक एडवांटेज है। और फिर एस्ट्रोनॉमी का जो है वो साइंस फिक्शन से भी कनेक्शन है, क्योंकि बहुत सारी साइंस फिक्शन, बहुत सारी जो सबसे मशहूर साइंस फिक्शन है वो अक्सर स्पेस से रिलेटेड होती है। ऑफकोर्स ये 2001 स्पेस ऑडिसी का इमेज है, मगर ऑफकोर्स स्टार ट्रैक, स्टार वॉर्स वगैरह वगैरह, ऑल्दो स्टार वॉर्स जो है वो बहुत ज्यादा उसमें साइंस नहीं, लेकिन स्टार ट्रैक में डेफिनेटली बहुत सारी साइंस होती है और बहुत सारी सीरीज हैं, एक्सपैंस है, आजकल फॉर ऑल मैनकाइंड है वगैरह वगैरह, और रिटन साइंस फिक्शन भी है, आइज़ैक आसिमोव की फाउंडेशन है या मुख्तलिफ किस्म की होती है। उसमें एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है क्योंकि आप इमेजिन करते हैं, दैट्स व्हाट मेक्स जो अच्छी साइंस फिक्शन होती है, आप इमेजिन करते हैं कि जो जमीन के ऊपर चीज नहीं उसको अगर हम इमेजिन करें कि क्या अगर हम उसको स्पेस में रखें तो हमें क्या पता चलेगा, क्या अगर हम, वैसे तो हम न्यूट्रॉन स्टार के करीब नहीं आ सकते, क्या अगर कोई सैयारा जो है वो न्यूट्रॉन स्टार के करीब है तो उससे क्या होगा, इस तरह की चीजें। तो साइंस फिक्शन और एस्ट्रोनॉमी जो है उसका काफी कनेक्शन है और साइंस फिक्शन जो है वो बहुत 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 ज्यादा पॉपुलर है। तो ये तमाम चीजें जो है वो एस्ट्रोनॉमी की साइंस फिक्शन जो है वो उसका फायदा लेके आती है। लेकिन ये स्पाइडरमैन की बात आ गई, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मसला ये है कि क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के एक नेचुरल एक लिहाज से साइंस कम्युनिकेशन के हिसाब से लोगों का साइंस की तरफ स्टॉक बढ़ाने के लिए वो एक नेचुरल पार्टनर है। इसका मतलब यह है कि लोग बहुत सारे नेचुरली उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, साइंस फिक्शन साइंस की स्टोरीज वो देखेंगे भी। तो उस लिहाज से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये खाली कोई साइड की चीज नहीं, राइट। तो किस तरीके से, क्या मसले मसाइल हैं और उसको किस तरह से बैलेंस आउट करें, दो ये कि व्हाट इज द चैलेंज, हाउ डू वी फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बैड साइंस, क्यों आता है। एक तो मसला ये है कि जो कटिंग एज साइंस है, राइट, वो आपके इमीडिएटली अवेलेबल है, मगर क्योंकि आपको खबरें आ गई, आपका आपकी जो ट्वीट से आपको पता चल गया, आपको जो है वो इमीडिएटली पता चल गया कि कोई खबर आई है। अब साइंस जो है उसमें अक्सर टाइम लगता है वेरिफिकेशन में, टाइम लगता है कि वो रिजल्ट्स जो है वो सही हैं या नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन हम इस साइकिल में रहते हैं कि इमीडिएटली आपको जो है वो खबर भी बतानी है और उसके इम्प्लीकेशन भी बतानी है। तो ये मसला जो है ये एक इनहेरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट में है जिस तरह से साइंस काम करती है। साइंस एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, मगर हमारी जो इस वक्त साइंस की खबरों की दुनिया है या जो हमारा सोशल मीडिया का कॉन्टेक्स्ट है उसमें चीजें जो है वो बहुत तेजी से काम करती हैं। इनफैक्ट आपको अगले न्यूज साइकिल से पहले जो है यू वांट टू नो कि वो आगे चले। तो मसला उसमें ये आ जाता है कि ये दो चीजें, एक साइंस स्लो काम करती है और जो दूसरी चीज है कि आपके जो न्यूज साइकिल है वो बहुत तेज है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्यों आप इस बैड साइंस या गलत साइंस या
सेंसेशनल साइंस के पीछे पड़ते हैं, इसकी वजह यह है कि हम सबको शौक होता है कि यार हम जो हैं वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का हिस्सा हों, कि हमारे उसमें जो है पता चले कि यार फंडामेंटल फिजिक्स जो है वो गलत साबित हुई, आइंस्टाइन जो है वो गलत साबित हुआ, इसीलिए बहुत सारी हेडलाइन जाती है आइंस्टाइन प्रूव रॉन्ग ये वगैरह वगैरह। मसला ये है कि रियलिटी में बहुत 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 कम ऐसा होता है कि आपके फाउंडेशनल आइडियाज चेंज होते हैं। शौक सबको होता है कि हम रेवोल्यूशनरी आइडियाज के ऊपर हों, लेकिन रियलिटी में ये चीज जो है वो बहुत कम होती है। तो जब इस किस्म की कोई खबर आए जो कि अभी टेस्ट भी नहीं हुई पूरी तरह से और लोगों ने भी उसको इवैल्यूएट भी नहीं किया, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि आहा इसको छोड़ दें और ये चीज आगे चली गई। तो वी शुड थिंक अबाउट इट के जो बड़े आइडियाज हैं, ये तीसरा पॉइंट है कि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से मिसाल के तौर पे हर थोड़े दिन के बाद खबर आती है कि अब जो एक्सोप्लैनेट दरियाफ्त हुआ वो अर्थ 2.0 है, बिल्कुल जमीन जैसा है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद आप खबर सुनेंगे कि अभी तक कोई ऐसा दरियाफ्त नहीं हुआ, अब जो दरियाफ्त हुआ वो बिल्कुल जमीन जैसा है, अर्थ 2.0। तो ये साइकिल है अर्थ 2.0 का, जो पिछले 20 साल से मैं भी सुनता आ रहा हूं कि वो अर्थ 2.0 दरियाफ्त हो गई, फिर वो अगली अर्थ नहीं, ये वाला है। इन रियलिटी आई डोंट इवन नो कि अर्थ 2.0 का क्या एग्जैक्ट क्या मतलब है, क्योंकि उसकी वेरिएशन है, क्या मतलब है आपका इस सिलसिले में। और अभी तक कोई इस किस्म की कोई चीज बहुत ज्यादा क्लोज दरियाफ्त नहीं हुआ, क्लोज टू फाइंडिंग इट, मगर अर्थ 2.0 की नोशन जो है वो भी मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लमैटिक है। एस्टेरॉइड्स हर थोड़े दिन के बाद आपको नजर आएगा कि अब ये एस्टेरॉइड जो है जमीन को तबाह कर देगा, हमेशा डेट जो है वो थोड़ी दूर होती है, 2-3 साल के बाद या अगले साल। ये जो आपने सुना है कि ये एस्टेरॉइड आ रहा है ये वाला टकरा जाएगा, राइट? तो अगेन ये एक साइकिल की बात है, इसी तरह एलियन लाइफ है या न्यू फिजिक्स फाउंड, और इसी तरह से बिग बैंग रिप्यूटेड वाली जो मैंने मिसाल दी थी, इसके ऊपर मैं अभी एक मिनट दोबारा से आऊंगा। मसला यह है एक फंडामेंटल इसमें, मेरा अपना भी कायनात स्टूडियोज के साथ यूट्यूब चैनल है, हम लोग और वीडियोज भी बनाते हैं, एंड वी नो कि मसला यह है कि सेंसेशनलिज्म जो है दैट गेट्स रिवॉर्डेड, राइट? अगर आपकी हेडलाइन जो है वो क्लिक बेट नहीं तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो ये मैं आपको वीडियो की मिसाल दे रहा हूं, मगर सेम वर्क्स विद न्यूज आर्टिकल्स एज वेल, राइट? तो मोनेटाइजेशन जो है वो बेस्ड ही इस सिलसिले में है कि आपकी सेंसेशनल थंबनेल्स हो। अगर आप चेक करें, जो कि मैं चेक करता हूं क्योंकि वी आर क्रिएटिंग कंटेंट एज वेल, कि पिछले 5-6 साल में तो जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू की थी और थंबनेल्स का जिक्र आता था तो क्या था, थंबनेल्स किस तरह की बनाए, बाय द वे शुरू में तो थंबनेल्स में हमको टेक्स्ट ही नहीं होता था, खाली तस्वीर होती थी, राइट? उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए, अब हर एक में वो जो एरो भी होता है, एक्सप्रेसिव शक्ल भी होती है, डेरी भी होती है उसमें, क्योंकि ऑफकोर्स हमारी कोशिश है कि लोग जो है वो देखें। और फिर दिस चेंजेस एवरीथिंग, लाइक यू नो वो जो है अब इस किस्म के आना शुरू हुए हैं कि दिस या कोई एरो स्पेसिफिक ये देखें वगैरह वगैरह। तो स्ट्रक्चरली जो इस वक्त हमारा मीडियम है वो रिवॉर्ड करता है ज्यादा सेंसेशनल कंटेंट को, और न और इवन अगर सेंसेशनल कंटेंट ना हो कम अज कम सेंसेशनल हेडलाइंस को, और ये एक फाउंडेशनल प्रॉब्लम है। इसको किस तरह से ओवरकम करें, दैट्स अ टफ क्वेश्चन, राइट? क्योंकि आपके जो एल्गोरिथम है, या बात कर रहे हैं गूगल या यूट्यूब, यूट्यूब इज ओन्ड बाय गूगल, मगर मैं कह रहा हूँ सर्च इंजन्स वर्सेस यूट्यूब वर्सेस लाइक यू नो अदर थिंग्स, इन तमाम चीजों में क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर्क्स, राइट? तो ये एक फाउंडेशनल प्रॉब्लम है जो कि मुश्किल है। तो क्या करें इस सिलसिले में? असल में इसमें चीजें ये हैं कि आपको अपनी जो है चेक्स एंड बैलेंसेस, आपको अपनी वेरिफिकेशन सिस्टम बनाना पड़ता है, राइट?
और ये लिंक्ड है, मुझे शुरू में मैंने ऑनेस्टी एक्यूरेसी की बात की, दो पॉइंट्स के सिलसिले में। तो आपको अपना देखें, ये जो मैं तमाम चीजें बता रहा हूँ, ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये तमाम चीजें आई ऑल्सो फेस, कोई ये नहीं है कि आपको सब चीजों का पता हो, देर इज नो वे कि आपको तमाम चीजों का पता हो। आपको खबर आती है और उसके बाद यू हैव टू इवेल्युएट कि उस खबर को हम किस तरीके से देखें, उसकी क्या वैलिडिटी है, उसको किस तरह से चेक करें। तो मैं आपको खाली कुछ मैं आपको मिसालें दूंगा कि परहैप्स दे विल बी यूजफुल। I'm sorry, ये मेरा ख्याल ये था कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं वो एक एक करके आएंगे, तो मैंने उसको ऑन नहीं किया, तो वो डायरेक्ट सारे आ गए, तो जरा टेक्स्ट बहुत सारा लग रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है पहला कि कोई भी अगर खबर आती है, राइट, अब प्रेस रिलीज नॉर्मली जो खबरें होती हैं साइंस के सिलसिले में वो प्रेस रिलीज के साथ आती हैं, जो ऑथर्स हैं या जर्नल है या किसी हिसाब से है, यूजली देर इज अ कनेक्शन। नासा है, वो नॉर्मली देर इज अ प्रेस रिलीज। तो बजाय कि आप उसकी इंटरप्रिटेशन देखें जो कि किसी खबर में आई है या किसी यूट्यूब के वीडियो के ऊपर आई है, ट्राई टू फाइंड आउट कि उसकी एक्चुअल प्रेस रिलीज क्या है। और प्रेस रिलीज जो है वो बहुत बोरिंग होती है। प्रेस रिलीज इसलिए बोरिंग होती है क्योंकि उसमें जो है इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल कट आउट किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, मगर प्रेस रिलीज में एक्चुअली आप लफ्जों को जरा एहतियात से देखें, क्योंकि उसमें लव्स बहुत एहतियात से रखे जाते हैं जनरली। अच्छी जो प्रेस रिलीजेस होती हैं तो उसमें आपको नजर आएगा कि अगर कोई बड़ी खबर भी है उसमें आप जरा देखेंगे आपके वो प्रेस रिलीज पे होगा कि ऑल्दो दिस रिजल्ट हैज नॉट येट बीन कंफर्म्ड, ओके दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने प्रेस रिलीज में शामिल की, मगर वो छोटा सा लफ्ज होगा। तो केयरफुली, प्रेस रिलीजेस ब्रीफ होती हैं, दे आर नॉट लॉन्ग, लेकिन उसमें जो लव्स हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ऑफ कोर्स कि आप चेक करें कि यार ये जो खबर है, जो रिजल्ट आया है, वो किसी पीयर रिव्यूड जर्नल जो रिप्यूटेबल है, बहुत सारे पीयर रिव्यूड जर्नल सब आ गए हैं, उसमें छपा है या नहीं, नेचर, साइंस और एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल, एस्ट्रोफिजिकल जर्नल वगैरह वगैरह। ओके, अगर कोई रिजल्ट छपा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन छपा है इसका मतलब यह है कि वो किसी एक कम अज कम कुछ रिव्यू प्रोसेस से गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से किसी कुछ और एस्ट्रोनॉमर्स ने उसको एटलीस्ट देखा है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये छपा है, राइट। सो देयर इज अ चेन उसके सिलसिले में। दो ऑल्दो एस्ट्रोनॉमी में थोड़ी सी एक डिफरेंस ही होती है कि टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो इमीडिएटली आते हैं, जिस तरह जेम्स वेब के हैं, और वो अक्सर जो है वो अभी जर्नल्स में नहीं छपे होते, तो उसके सिलसिले में आपको देखनी होती है कि जो ओरिजिनल प्रेस रिलीज है वो यूजुअली नासा की होती है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो स्पेस टेलीस्कोप इंस्टीट्यूट है उसके साथ है वगैरह वगैरह। तो ये आपको देखना जरूरी है। जो तीसरा पॉइंट है विच आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है एक लिहाज से, वो एक चीज कहलाती है सैनिटी चेक, या एक चीज कहलाती है ये डबल चेक करते हैं, वो मैथमेटिक्स में होता था सैनिटी चेक, कि अगर आपको जवाब भी मिल गया, आपने कुछ कैलकुलेशन की, जवाब मिल गया, मगर आपको चेक करना था यार ये जवाब जो है डज इट मेक सेंस और नॉट, राइट, ये सैनिटी चेक होता है। इसी तरह से साइंस कम्युनिकेशन के हिसाब से आपको एक आपको चेक करना होता है कि आपके अपने हिसाब से, आपको अपने आप को सेटिस्फाई करने के हिसाब से आपको पास एक टीम होनी चाहिए। डजंट मीन कि टीम आपके पास मौजूद है, मतलब ये है कि आपके पास कुछ रिसोर्सेज हों जिनको आप ट्रस्ट कर सकें। तो क्योंकि मकसद ये है, दैट गोज बैक टू एक्यूरेसी और ऑनेस्टी वाली बात, कि आप का जो आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर, आपकी जिम्मेदारी है वो। उस जिम्मेदारी के हिसाब से किस तरह से चेक करेंगे कि अगर कोई खबर आई तो आपने चेक किया कि वो अगर साइंस और नेचर में है या नहीं, आप उसको चेक कर सकते हैं। कुछ साइट्स हैं, ये तो मैं कुछ बता रहा हूँ साइट्स जो मैं देखता हूँ जिनके ऊपर जाके, astronomy.com है, space.com है, या न्यूयॉर्क टाइम्स का जो साइंस सेक्शन है, अच्छा उसमें आई है, ओके। नॉर्मली मैं उनको क्यों देखता हूँ, क्योंकि नॉर्मली वो बैकग्राउंड चेकिंग करते हैं कि वो छापने से पहले, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी गलत नहीं होते, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अपनी बैकग्राउंड चेकिंग करते हैं। तो कहते हैं जब मैं उनकी खबर पढ़ रहा हूँ तो ओके, इट हैज बीन पिक्ड अप, क्या उन्होंने कहा उन्होंने। फिर कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो मुझे पसंद है, एक है ईथन सेगल, इसका है स्टार्ट्स विद अ बैंग,
इट्स एन एक्सेलेंट ब्लॉग, उसमें अक्सर या कॉलम है ये स्टार्ट्स विद अ बैंक का, आई थिंक वो काफी अच्छा काम करता है डिटेल में चीजों की, वो चैलेंज भी करता है जब गलत खबरें जो हैं वो सेंसेशनल होती हैं, तो गलत खबरें जो है जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में बिग बैंग रिफ्यूटेड वाली चीज जो है वो बिग बैंग में भी उछाली गई थी राइट, मगर उसको किस तरह से करें, तो मैं गया इथन के आर्टिकल के ऊपर, ओके आई गेट इट, जरा मैं मिसाल दे रहा हूँ, कुछ और भी हैं इसमें, लेकिन डॉक्टर बेकी ये यूट्यूब चैनल है, बेकी स्मेथर्स ये एस्ट्रोनॉमर है, आई थिंक उसका जो चैनल है इट्स वेरी गुड राइट, उसमें तो अगर वो कहेगी तो लाइक ओके लेट मी सी, थोड़ा टेक्निकल है वो, एक्चुअल पेपर्स को अक्सर वो लिंक भी करती है और उसका जिक्र आता है, तो ओके अगर उसने कहा है तो दैट्स इंटरेस्टिंग, और यूनिवर्स टुडे है ये उसका चैनल भी है फ्रेजर केन का ये, मगर यूनिवर्स टुडे जो है उसका न्यूज लेटर भी है, एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में ये कुछ है, मगर इस सिलसिले में टाइम लगता है आपको अपनी सोर्सेज को बिल्डअप करने का, क्योंकि आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है कि ये जो सोर्सेज हैं वो सही हैं या नहीं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेरे पास कुछ और सोर्सेज भी थी जो आई टेक देम आउट, कि वो आई डोंट नो उनके बायसेस एंड दे डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ समथिंग, तो ये एक थोड़ा सा एक प्रिमर है ठीक है। क्विकली अगले दो तीन मिनट में दो मिसालें, मिसाल के तौर पे ये बाय द वे इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से है कि वीनस में फॉस्फीन डिटेक्ट हुई थी पोटेंशियली, बहुत खबरें आई, प्रेस रिलीज भी आई, मगर एक्चुअली देयर वाज अ पुशबैक, क्योंकि दो तीन चीजें थी, क्या फॉस्फीन वाकई डिटेक्ट हुई या नहीं हुई, और फिर दूसरा सवाल ये था कि अगर क्या फॉस्फीन जो है उसकी डिटेक्शन जो है वो आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में बताती है या नहीं बताती। तो अल्टीमेटली पता ये चला कि ये प्रेस रिलीज जो है वो जल्दी आ गई थी, उसकी इतनी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, और इनफैक्ट अल्टीमेटली पता ये चला कि वो जो फॉस्फीन है उसकी डिटेक्ट वो फॉल्स डिटेक्शन थी, क्योंकि वो जो रेडियो टेलीस्कोप इस्तेमाल कर रहे थे वो प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड नहीं थी, लेकिन इसकी हेडलाइंस पूरी दुनिया में फैल गई। और यहां पर आई थिंक ये जो हेडलाइन है जिस तरह ये इंडियन एक्सप्रेस की, आई थिंक ये जो एक्सप्लेनर है दैट इज गुड, कि साइंटिस्ट हैव फाउंड द प्रेजेंस ऑफ अ कलरलेस स्मेली गैस कॉल्ड फॉस्फीन, इट इज नोन टू बी प्राइमरली प्रोड्यूस डाडी डाडी डा राइट, मगर जो बड़ी वाली हेडलाइन है कुड वीनस पॉसिबली बी होस्टिंग एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ, दैट्स अ ट्रिकी वन, क्योंकि लोगों का ख्याल होगा कि वहां पर फॉस्फीन भी मिल गई और गालिबन वहां पर स्पीसीज भी हैं राइट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ कि लोग किस तरह से उसको परसीव करेंगे, आपका अल्टीमेटली आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और दूसरी ऑफकोर्स ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि वी जस्ट डिस्कवर्ड द इम्पॉसिबल, द इम्पॉसिबल हाउ जायंट बेबी गैलेक्सीज आर शेपिंग अप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्ली यूनिवर्स, दैट्स अ टेरिबल साइंस कम्युनिकेशन। ये जो ऑथर है इस चीज के ऊपर यहाँ पे जो ये है, ये एक्चुअल में वन ऑफ द जो राइटर्स हैं पेपर के जो कि पीयर रिव्यू जर्नल में छपा, उन्होंने खुद ही लिखा और उन्होंने उनकी इंटरप्रिटेशन, अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो वो काफी रीजनेबल पेपर है बहुत सारे उसमें, लेकिन जब उन्होंने पॉपुलर प्रेस में लिखा होगा कि ये तो गैलेक्सी में भी डिस्कवर्ड द इम्पॉसिबल, भैया अगर आपने इम्पॉसिबल चीज दरियाफ्त की तो ऑब्वियसली फिर आपने लॉज ब्रेक किया, आपने दरियाफ्त किया कि लॉज ही आप छोड़ रहे। इस पेपर और इन हेडलाइंस की वजह से वो सारी आई के बिग बैंग जो है वो रिफ्यूट हो गई है। अब हमें अच्छा ये पता भी चल गया कि इस किस्म की गैलेक्सी ने साइंस इस तरह से काम नहीं करती, तभी इनका जो पेपर है जो जर्नल में छपा है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि दे हैव डिस्कवर्ड द इम्पॉसिबल, पेपर में उन्होंने ये नहीं कहा राइट, पेपर में तो ये है कि हाँ इसकी मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं कि जो हमें 6 गैलेक्सीज मिली हैं इनमें ऑब्जर्वेशनल बायसेस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि जो हमारी असम्पशंस हैं वो किस तरह से इन गैलेक्सीज को एक्सप्लेन कर सकें, मगर इट्स एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट, हाँ इट्स एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट, मगर हैव दे डिस्कवर्ड समथिंग इम्पॉसिबल। मसला ये था कि इसकी वजह से जो है वो सारी हेडलाइंस हैं, लोग जो है वो अब जो लोगों को ये इन गैलेक्सीज की एक्सप्लेनेशन तो मिल गई है, दे आर इंटरेस्टिंग नो क्वेश्चन अबाउट इट, मगर उसकी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, बिग बैंग जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, दैट इज फाइन, मगर लोगों को ये याद नहीं रहेगा
इसकी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है। और ये मैं इसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि मिचू काकू जो है उन्होंने भी कहा कि हाँ ये तो बहुत मुश्किल है। अब उसके बाद ये मैं खाली एक छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हाँ उसके जो इमेजेस हैं ये यूट्यूब के ऊपर ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि ये मिचू काकू के जो हैं किस तरीके से ये यूट्यूब की आपको हेडलाइंस भी नजर आ रही हैं। अगर आप देखेंगे इसको तो आपको क्या पता चलेगा कि बिग बैंग जो है वो गलत है। ये देखिए मिचू काकू मशहूर साइंसदान वो आपको बता रहा है, उसने कहा कि नहीं हम गलत हैं, हाँ वो सब कुछ गलत है क्योंकि ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू एग्जैजरेट अ बिट। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं यहाँ पे आगे जाके मैं खत्म करता हूँ। आई थिंक मुझे 25 मिनट लगे, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप बताएं कि सवाल जवाब, मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन जो है मैं वो शेयर करना बंद करूंगा और फिर आप बताएंगे कि क्या करें। एक मिनट मैं यहाँ। ओके सो अमेजिंग, इट वाज वेरी हेल्पफुल। और अब जिस जिसके जैसे क्वेश्चन है यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड आस्क अबाउट इट। ओके ओके मंथा एज अ क्वेश्चन, मंथा प्लीज आस्क, पूछें क्वेश्चन आप। ओके एनीवन एल्स? हेलो एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। यस सॉरी मेरा क्वेश्चन नहीं था, वो गलती से हैंड रेज हुआ, बताओ। ओके 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 सो वन क्वेश्चन आई हैव अबाउट ओमोमुआ, उसकी भी एक कंट्रोवर्सी थी, व्हाट इज इट अबाउट? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड अ टेरिबल एग्जांपल राइट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। ओमोमुआ जो है ये एक एस्ट्रॉइड था जो पहला एस्ट्रॉइड था जो हमारे निजाम शमसी से नहीं बल्कि किसी और निजाम शमसी से आया या इंटरस्टेलर एस्ट्रॉइड। क्यों हमें पता है? तो हमें उसके बारे में काफी चीजें पता है क्योंकि उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपको बताती है कि उसकी स्पीड क्या है, किस एंगल से वो आ रहा है। उसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि वो हमारे निजाम शमसी से नहीं आया बल्कि कहीं बाहर से आया। अच्छा, अब इस किस्म के एस्ट्रॉइड जो है वो प्रॉबेबली आते जाते रहते हैं राइट, मगर ये पहला था, फर्स्ट वन। अब एक और भी दरियाफ्त हो चुका है लेकिन ये पहला था ओमुआमुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो एस्ट्रॉइड है वो हमारे निजामे हमारे सूरज से करीब के इनकाउंटर के बाद वो बाहर की तरफ जा रहा था, उस वक्त डिटेक्ट हुआ, ठीक है, व्हिच इज फाइन, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग राइट। और वो आपको खाली एक पिक्सल नजर आ रहा है, वो आपको थोड़ा सा या दो पिक्सल था थिंग वो थे, आपको बस हल्की सी आपको डॉट नजर आ रहा है और उससे आप इंटरप्रेट करते हैं वो किस किस्म की चीज है। तो उसका जो रंग जिस तरह से चेंज होता है उसके हिसाब से जो साइंसदान है वो एस्टिमेट लगाते हैं कि क्या हो रहा है, इसकी शेप क्या है वगैरह वगैरह, और बहुत अनसर्टनिटीज होती हैं। तो ख्याल ये था कि ये एक रिलेटिवली पतला एक एस्ट्रॉयड है जो टंबल कर रहा है, जो लुढ़क रहा है, क्योंकि उसकी जो ब्राइटनेस है वो चेंज हो रही थी पीरियोडिकली और वो अब बाहर की तरफ चलता चला गया। तो उसको आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो स्पीड है एस्केप वेलोसिटी वो हमारे निजामे शमसी की ग्रेविटी से ज्यादा है। दैट्स हाउ वी नो कि वो कहीं और से आया, सूरज से करीब से आया और वो अब सूरज से हमारे निजामे शमसी से बाहर जा रहा है। फैसिनेटिंग, जबरदस्त। अच्छा, अब एक साहब है हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर, अगेन इट डजंट मैटर एस्ट्रोनॉमी में, आप हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर हो, आप आइंस्टाइन हो, इट डजंट मैटर, यू स्टिल हैव टू। उन्होंने कहा कि उनको बहुत सारा काम जो है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के ऊपर है। उन्होंने कहा कि ये जो एस्ट्रॉइड ये काफी ना सिर्फ ये हैरत अंगेज है बल्कि लगता ये है कि ये शायद एलियन स्पेसक्राफ्ट हो। अच्छा, इट्स पॉसिबल, आई मीन लाइक यू नो, इनफैक्ट उसने पेपर लिखकर उसने कहा कि देखो हो सकता है कि कुछ अदर सिविलाइजेशंस जो हैं वो इस किस्म के प्रोब्स जो हैं वो भेजें, क्योंकि इंसान जो हैं हम जो हैं हम इस किस्म के प्रोब्स भेजने के बारे में सोच रहे हैं जो मिसाल के तौर पे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास हैं, रिलेटिवली छोटे मगर वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास हैं या अल्फा सेंटोरी सिस्टम के पास हैं। और ये जो भाई साहब हैं अभी लोग ही इज पार्ट ऑफ दैट, That's fine, like, you know. और उन्होंने कहा कि ये जो
लेकिन वो जो एस्ट्रॉइड था उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि वो जाते हुए मिला और खाली एक दो पिक्सल्स आपको नजर आ रहे हैं, उससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप डिड्यूस कर रहे हैं और वक्त बाद चला गया, आप उसको दोबारा से टेस्ट नहीं कर सकते, ये तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। तो उसने कहा कि लग ये रहा था कि इसकी जो मोशन है वो एक्चुअली हम इतने आराम से नेचुरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लगता यह है कि उसमें कुछ प्रोपल्शन थी, प्रोपल्शन सिस्टम थोड़े से एक्सेलरेट हुई, एंड दैट इज ट्रू। लग ये रहा था कि जब वो यहां से सूरज से वो बाहर की तरफ गया तो उसकी स्पीड हल्की ही ज्यादा हुई। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्यों ज्यादा हुई? ठीक है, अच्छा यहां तक बात बिल्कुल सही है। पूरी एक टीम है जिसने ओमुआमुआ को दरियाफ्त किया और जिसने ओमुआमुआ को इस सिलसिले में समझा। तो ये अभी लोग, ये जो हार्वर्ड के ही वाज द चेयर ऑफ आवर एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट, उसकी आई थिंक दैट्स अ वैलिड थिंग, ने कहा कि लगता ये है कि उसकी जो कुछ चीजें हैं वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, और ये जो स्पीड बड़ी समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट हो, प्रोब। यहां तक बात सही है, शायद वो एलियन स्पेसक्राफ्ट हो, शायद ना हो। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वो नेचुरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये क्यों बढ़ी स्पीड उसकी हल्की सी। तो जो टीम थी ओमुआमुआ की, वो उसके ऊपर काम करते रहे कि इसकी किस तरह से हो सकती है, हो सकता है कि उसमें से कुछ गैसेस जो है उसकी कॉम्पोजिशन फर्क हो, क्योंकि वो हमारी अपनी सोलर सिस्टम का नहीं, बाहर से आते हैं वगैरह वगैरह। तो देख क्या, इट्स एन अननोन, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? तो एलियन एक्सप्लेनेशन हो सकती है, मे बी इट्स नॉट दैट अनरीजनेबल थिंग। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि फिर अभी लोग की पोजिशन ये हुई कि नहीं, एक्चुअली दैट इज एन एलियन स्पेस का, ये एक्चुअली नो इट्स एन एलियन स्पेस का। और जो अब जो टीम है ओमुआमुआ की, वो खुद ये कह रही है, जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इसको दरियाफ्त किया, वो कह रहे हैं कि देयर इज नो रीजन। प्रॉब्लम ये है कि वो कार्ल सेगन का भी था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस। जब आप एलियंस की बात कर रहे हैं, दैट्स अ हाई बार, क्योंकि अब आपने कहा कि किसी ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा जो हमारे निजामे शमसी के पास आया और वो गया, और आप ये कह रहे हैं कि वो एलियन स्पेस का था ना, ये हो सकती है, लेकिन दूसरे एक्सप्लेनेशन जो है वो काफी करीब है। और यहां पर अगर आप ये रिपोर्ट करें कि वो वाकई एलियन स्पेस का था, जो अभी लोग कहना शुरू हुआ, एंड देन नाउ ही कंप्लीटली से, उसने पूरी किताब भी लिखी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी हुई, अब तो वो और भी चीजों में चला गया है, तो एलियन की वो चीजें वहां पे समंदर के नीचे भी तलाश करने की कोशिश कर रहा है वगैरह वगैरह। दैट इज टेरेबल साइंस कम्युनिकेशन, दैट इज साइंस के उसमें अगर वो होता ना, वो होता है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट साइंस, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि हाउ शुड वी रिपोर्ट ऑन दैट? आई नेवर रिपोर्ट ऑन दैट ऑन आवी लोब थिंग, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आवी लोब के अगर कोई कोई भी चीज वो कहता है, नेक्स्ट टाइम आप 10 दफा आप सोचें कि यार कैन यू ट्रस्ट हिम और नॉट। वो जो मैं बात कर रहा था कि बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर ट्रस्टफुल रिसोर्सेज, अभी लोग यू हैव टू रियली थिंक अबाउट इट। क्यों? अभी लोग हिमसेल्फ है, ये एक बार मशहूर फड्डा हुआ था उसका जिल टार्टर के साथ, जो सर्च फॉर एक्सट्राटरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट में सारा वो काम किया था। वो कहती है कि यार आपको मोहतात होना पड़ता है जब आप बड़े क्लेम्स करते हैं। उसने कहा कि मैं इतना काम कर रहा हूं, देखो आपको कितने पैसे मिलेंगे आपको इस किस्म की चीज की, तो एक मिनट, तो आप पैसों के लिए आपने जो है इस किस्म की चीज करे, दैट्स टेरेबल। तो फॉर साइंस के हिसाब से ये तो आपको फिर और भी रेड फ्लैग्स जो हैं वो आपके खड़े होते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से भी देखें, ये उसी तरह की चीजें, जब लोग कहते हैं कि चांद पर इंसान नहीं गया वगैरह वगैरह, उसके सिलसिले में आपको रिवर्स करना पड़ता है कि यार एलियंस ने इस किस्म की स्पेसक्राफ्ट बनाई और उसकी ट्रेजेक्टरी आई, मगर इट्स प्रीटी मच नेचुरल, आप उसको प्रीटी मच आप उसको नेचुरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, खाली उसकी थोड़ी सी चीजें जो है वो अनएक्सप्लेनेबल है। यार अगर इतनी ही उन्होंने स्पेस क्राफ्ट बनाई थी तो व्हाई इज इट सो मच लाइक अ नेचुरल ऑब्जेक्ट, राइट? आई मीन वो एक हैरानकुन चीज है कि इतनी उन्होंने बनाई लेकिन वो ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ नेचुरल ऑब्जेक्ट, क्यों, राइट? तो इस किस्म के सवाल उठते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ओमुआ ओमुआ की जो टीम
टीम है जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने उसको ऑब्जर्व किया है. आई वुड गो टू देम एंड आई विल आस्क वो क्या कह रहे हैं. उन्होंने एक्चुअली पूरा पेपर उनका लिखा कि अभी लोग के क्लेम्स को रिफ्यूट करने के सिलसिले में. और मसला ये है कि आपको पर टाइम जाया करना पड़ता है क्योंकि प्रेस में अभी लोग का नाम ज्यादा आता है. तो आपको फिर बहुत टाइम लगाना पड़ता है. आप पेपर लिखते हैं आपको लाइक नो कि वो नहीं यार ये वो फलाना वगैरह. तो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड ओमुआ ओमुआ. और उसके आपको फॉलो अप नहीं कर सकते. प्लस इट्स नॉट टेस्टेबल. अब आप काली जो है ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि अब उसने वो लाइक नो आप तो टेस्ट नहीं कर सकते. वो तो चला गया. अच्छा सेकेंड एस्ट्रॉइड जो आया जो इंटरस्टेलर है बरिस्मा के नाम से वो तो नॉर्मल एस्ट्रॉइड है. So how come? Right? So anyway, so that's the issue. So Oumuamua is a terrible example. Avi Loeb is doing a huge mistrust in science, huge disservice to science. Okay, sir, there are questions in chat. If you look at Cosmos, ke baare mein hai, if you could look into... okay. थोड़ा लंबा है. ये पहला सवाल जो है ये देखें ये मुझे लगता है कि ये एक प्लांटेड सवाल है क्योंकि ये सवाल है कार्ल सेगन की कॉस्मोस के सिलसिले में. और कहा कि हाईलाइट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के व्हाई इट वाज गुड. और उसके सिलसिले में करंट जनरेशन के लिए वांटेड टू किंडल द इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी. राइट. आई मीन सो ये मलाइका का सवाल है और ये मेरा ख्याल है कंप्लीटली प्लांटेड सवाल है क्योंकि ये मेरे दिल से बहुत करीब है. दो चीजें हैं इस सिलसिले में. तो मैंने इस सिलसिले में काफी सोचा है ऑब्वियसली क्योंकि मेरे लिए एक लिहाज से ये एक पजलिंग चीज है कि मेरी कभी कार्ल सेगन से मुलाकात नहीं हुई. राइट. ही डाइड इन 96 मगर उससे पहले मेरी मैं इंतजार कर रहा था कि मेरी पीएचडी हो जाए फिर मुलाकात करूंगा. राइट. लेकिन मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं उसे कभी मिला नहीं मगर उसकी जो कॉस्मोस है वो मेरी जिंदगी के हिसाब से वो जो पहली एपिसोड है खासतौर से दैट वॉज अ पिवोटल मोमेंट क्योंकि मैं इस वक्त आपसे मैं यहाँ पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहली वो एपिसोड देखी थी. ओके. क्यों तो मेरे लिहाज से ये एक फैसिनेटिंग चीज है कि आपकी जिंदगी के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एक ऐसी चीज से हुआ जो टीवी के ऊपर थी और एक उस बंदे से हुआ जो हमारे कल्चर का भी था और वो अंग्रेजी में बात कर रहा था और मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई. तो आई थॉट अबाउट इट क्वाइट अ बिट कि यार ये कैसे क्यों हो सकता है ये. राइट. तो कॉस्मोस के सिलसिले में मुझे सोचने का काफी मौका मिलता है. सुलमान कह रहे हैं कि यार कोई वॉइस के मसला हो रहा है. नो आई थिंक गुड फॉर अस. कौन की तरफ. ओके ऑन योर साइड. हां ओके. सो तो go ahead first. I just wanted to point out you may continue. Aap continue. Ha, so that's an interesting question, right? To mere lihaz se jo cosmos ki cheez thi mera khayal ye tha ki it was great about communicating astronomy. Aur jahan tak mera khayal hai it does. Lekin I don't think that is the reason why it's a great show. Mera khayal mein uski jo value hai kis wajah se it connects kyunki wo society aur culture ko bhi saath mein leke aata hai. Uski jo agar main communication ki example do khali science communication ki jis wajah se by the way pehli episode ke baad jo hai when I was blown away वो उसकी आखिरी जो 10 मिनट है पहली एपिसोड के या 15 मिनट जिसमें कॉस्मिक कैलेंडर की उसने बात की कि आपने जो है पूरी कायनात की जो तारीख है एट दैट टाइम 14 बिलियन ईयर्स उसने उसको एक साल के अंदर कंप्रेस कर दिया. तो बिग बैंग हैपेंड ऑन जनवरी 1st. राइट. तो फिर जमीन जो है और सोलर सिस्टम इट फॉर्मड इन सितंबर. I mean that is such a powerful thing यार कि आपको बिलियन साल मिलियन साल इसकी आपको जो है कॉन्टेक्स्ट नहीं होता क्योंकि वी डोंट यूज दोज नंबर्स. राइट. हम एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से तो या वी कैन फिगर आउट मिलियन और बिलियन का क्या मतलब है क्योंकि हमारे पास रेफरेंसेस हैं. लेकिन कैलेंडर का सबको पता है.
अगर आप उसको कैलेंडर के हिसाब से रखें तो सर ने बोला कि एक मिनट, तो बिग बैंग जो है वो जनवरी फर्स्ट तो हुई, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हमारा निजाम शमसी जो है, हमारा सोलर सिस्टम वॉज नॉट देयर, जमीन आई सितंबर में, लाइफ स्टार्ट हुई सितंबर 23rd. अच्छा, इंसान जो है दे डोंट अपीयर अंटिल दिसंबर 31st, right? वो भी शाम के वक्त. यू गो लाइक वाओ, वेट अ मिनट, ये इट गिव्स यू एन अमेजिंग स्केल के अगर बिग बैंग जनवरी फर्स्ट को हुई, इंसान जो है दे डिडंट अपीयर अंटिल दिसंबर 31st, आज शाम के वक्त. और फिर जो तमाम रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ह्यूमंस की, दैट इज इन द लास्ट फ्यू सेकंड्स, उस स्केल के ऊपर. That's mind-boggling. Like, you know, in fact, last second, that is a recorded history, that is in 11:59:59 of December 31st. Wo aapko ek amazing kism ka context deta hai. So that was an amazing science communication. That was an amazing way of connecting ke aap kya feel karte hain. अब यार आपने कॉस्मोस के बारे में जवाब दे सवाल पूछ लिया तो मुझे अब जरा दो और मिनट लेने पड़ेंगे इस सिलसिले में. दूसरी चीज ये है कि मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स ऑफ कॉस्मोस वो सेकंड एपिसोड है, वो थी वन वॉइस इन कॉस्मिक प्यूग, और वो स्टार्ट होती है लाइफ की तलाश के सिलसिले में वगैरह वगैरह, मगर 5 मिनट के बाद अचानक से एक गोंग बजता है, गोंग वांग, और अचानक से आपको एक सैमुराई वॉरियर नजर आता है जापान का, राइट? यार हम देख रहे हैं यार, ये बात तो लाइफ की हो रही थी, कैकेशान के ऊपर था, वो अपने स्पेसशिप ऑफ इमेजिनेशन में था. दिस इज 1980 बाय द वे, स्पेशल इफेक्ट्स जो है वो इतने अच्छे नहीं थे उस बाबत, हिसाब से जबरदस्त थे, लेकिन अब जो है आपको थोड़ा डेटेड नजर आएगा, मगर दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट स्टोरीज के सिलसिले में. तो वो गोंग आता है सैमुराई वॉरियर, मैं कहा यार ये सैमुराई वॉरियर क्या कर रहा है. फिर आई के एक वो बैटल थी दाना उरो की, आई स्टिल रिमेंबर इट बाय द वे, यू नो कि वो बैटल थी दाना उरो की जो 1100 समथिंग में हुई जापान में, और वहां पर उस जंग में जो है वो पानी के ऊपर हो रही थी, तो ये जो एक उसमें जो बादशाह था वो बॉय किंग बच्चा था, वो 10 साल का है 11 साल का, और उसकी दादी जो है वो इंचार्ज थी उसकी, तो वो जंग हो रही थी, बाय द वे मैं अभी भी कॉस्मोस की बात कर रहा हूँ, राइट? और जंग में वो हारना शुरू हो गया, तो जब वो हारने से पहले जो है उसकी जो दादी है बॉय किंग की जो बच्चा बादशाह था, उसने उसको पकड़ा और छलांग लगा दी दरिया के अंदर, पानी के अंदर, समुंदर के अंदर, समुंदर के अंदर. अच्छा, जंग खत्म हो गई, वो हार गए ये लोग जो है, लेकिन कुछ लोग बच गए, और उन्होंने बाद में जो है उसको याद करने की कोशिश की कि ये जो हार गए थे लोग, ये हेकी ट्राइब था, ये उसके लोग थे, उन्होंने उसको याद करने की कोशिश की कि वो, लेकिन एक लेजेंड बना कि वो जो बच्चा था बादशाह, कि जब वो पानी के अंदर गया उसका इंतकाल नहीं हुआ, नीचे जाके जो है वो रूल करता है समुंदर के नीचे अपनी किंगडम, ठीक है? अच्छा, हेकी किंगडम जो है वो पानी के नीचे है, हालांकि वैसे वो हार गए थे, लेकिन उसमें यह था कि हेकी किंगडम जो है वो पानी के नीचे है. अब आपको जो है कभी कभार केकड़े क्रैब्स जो है वहां पर नजर आए, अब केकड़ों का जो बैक होती है, इसको कैरापेस कहते हैं, जो बैक होती है उसके ऊपर कभी कभार उसमें नजर आए कि वो जो शक्ल है वो इंसानों की, कभी कभार उसमें चेहरा जो है वो नजर आना शुरू होता है. कभी कभार आहिस्ता आहिस्ता करके पता है चला क्योंकि ये आया कि ये जो केकड़े हैं वो असल में वो हेकी वॉरियर्स हैं, ये वो अपनी शक्ल बदल कर जो है वो समुंदर के किनारे आते हैं, और जब लोगों ने उनको देखा उन केकड़ों को, तो उनको खाते नहीं, फिशरमैन जो है जब उनको पकड़ा उनका कि यार ये तो हेकी वॉरियर्स हैं जो नीचे लड़ रहे हैं, तो वो उन्होंने उन क्रैब्स को जो है केकड़ों को वापस पानी में फेंक दिया. कुछ अर्सों के बाद, कई 100 सालों के बाद तक, जो क्रैब्स की जो बैक है उसपे ना सिर्फ इंसानों की शक्ल थी बल्कि हेकी वॉरियर्स जैसी शक्ल बनी. तो
कार्ल सेगन जो है उसका सवाल था कि ये एक ही वॉरियर्स की शक्ल क्रैब्स की बैक के ऊपर कैसे बनी, तो उसका जवाब ये था हमने बनाई, इंसानों ने बनाई, क्योंकि ये जबरदस्त मिसाल है आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। क्योंकि आप देखें कि अगर आपका केकड़ा जिसके ऊपर जो है कोई इंसान जैसी चेहरा नहीं, आप उसको खा जाएंगे तो उसके आगे डिसेंडेंट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर उसके पास इंसान जैसा चेहरा हुआ आपने उसको वापस फेंक दिया। कुछ अरसे के बाद रिफाइन होता चला गया और ऐसा हो गया कि ना सिर्फ आपको इंसान जैसा चेहरा नजर आना शुरू हुआ बल्कि हेकी वॉरियर जैसा नजर आया, और वो क्रैब्स अब कहलाते हैं हेकी क्रैब्स। उसका मकसद ये है कि ये तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ये इंसानों की ने सिलेक्ट किया, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो नेचर जो है काम करती है 4.5 अरब सालों में, ये तो कुछ 100 सालों में ये हेकी क्रैब्स आ गया, बल्कि कुछ डेकेड्स में। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एवोल्यूशन के ऊपर काम करती है बिलियंस ऑफ सालों में, और इस वजह से जो है आपको ये जो डिवर्सिटी है जिंदगी की वो किस तरह से बनी। आई वॉज एन अमेजिंग एग्जांपल, याद मुझे इसलिए क्योंकि कहां से वो शुरू हुई थी, राइट? सो दैट्स ग्रेट स्टोरी टेलिंग कि उसकी एक्चुअल में अपनी स्टोरी क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से तो कॉस्मोस की जो बात आपने की उसके उसमें कल्चर और कॉन्टेक्स्ट वो साइंस के साथ लिंक था। सो एनीवे तो वो था। मैं एक दो और क्विकली मैं सवालों के जवाब दे दूं, फिर आई थिंक दो दो तीन लोगों ने हाथ भी उठाए थे। यस, नासिर का क्वेश्चन है नासिर, पहले एक आप नासिर का करते फिर दोबारा टेक्स्ट पे आ जाएंगे। नासिर, यू अस्सलाम वालेकुम सर, एंड फाइनली इट्स हियर, हम बात कर रहे हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली कुछ थॉट्स हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक योर एंथुसियाज्म, जब आप साइंस की बात कर रहे होते हैं, गिव्स मी गूज़बम्स ऑल द टाइम, एंड अप्रिशिएट कायनात स्टूडियोज फॉर ऑल द वर्क यू हैव बीन डूइंग। आई हैव योर स्पेस कार्ड्स, ये ऑगमेंटेड रियलिटी कार्ड्स विद मी एज वेल। ओके, सो सबसे पहले एक थॉट है कि हमारे जो मोस्टली साइंस की नॉलेज है वो सारी नॉन साइंटिफिक सोर्सेज से है। बिकॉज आज से कुछ जब 3 साल पहले मैंने अपनी एस्ट्रोनॉमी का सफर स्टार्ट किया था, तो मैंने एक हेडलाइन ऐसी पढ़ी थी जैसे आपने बताई थी कि यू मे नेवर बी एबल टू वॉक अगेन इफ यू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। आई वाज लाइक ओके, और जब मैंने वो खोला तो आई फाउंड आउट कि जब आप स्पेस में जाते हैं तो माइक्रोग्रेविटी की वजह से आपकी बोन डेंसिटी कम होना शुरू, दैट इज जस्ट 1%। एंड आई वाज लाइक अच्छा, मैंने पढ़ तो लिया है, लेकिन वहां से मेरी क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई। फिर बैक देन आज से 2 साल पहले when there was this solar eclipse in Pakistan, जो कि 25 अक्टूबर को था, और उसमें मैंने कुछ ऐसी न्यूज़ देखी कि जो कराची की कोस्ट लाइन है वहाँ पे कुछ लोग अपने बच्चों को लेके गए और उन्होंने उस रेत के अंदर उनको दबा दिया जो कि डिसेबल्ड बच्चे थे, एंड दे थॉट कि उनकी वो डिसेबिलिटी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो दीज वर द थिंग्स जो कि मैंने इनिशियली फेस की। इसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन है कि लाइक यू स्टार्टेड दिस सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी बैक इन लेट 90s, और तब It is, yes. और उसमें आप टेलीस्कोप से आप ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दोस मीटअप्स, लेकिन अभी भी व्हेन आई सी के लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, स्पेशली के कोई कहते हैं कि चलें आज एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी का सेशन हो रहा है तो हम चलते हैं, तो दे आर स्टिल देयर कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी, देन देयर इज मून लैंडिंग स्टफ, इवन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी लाइक टीचर्स दे ऑल डू दिस। तो उस टाइम आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए थे, एंड फॉर अस यूथ के हम लोग ऐसे सिमिलर फेस कर सकते हैं, व्हाट वर योर स्ट्रेटजी एंड व्हाट वर योर थॉट्स, एनी एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आई वुड लव टू हियर। तो वो चीजें अभी भी हैं, देखें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या चीज बदलती है, राइट? तो मून लैंडिंग की अगर आपने बात की तो that's actually really interesting, kyunki 80s late 80s or 90s mein khas taur se jo zyada wo tha wo is cheez ke upar tha ki na se ignore ke sazish jo thi ye nahi thi ki moon landing ka hum chand par nahi gaye, this is an interesting change by the way, that also mera kaam jo hai meri research jo hai wo is cheez ke upar hoti hai kis tarah se logon ki beliefs badalti hain। fascinating cheez ye ki pakistan mein us waqt tak jo sazish thi wo ye thi ki neil armstrong jo hai wo musalman ho gaye the, right? ke नासा जो है वो छुपाए हुए है क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो इंटरव्यू नहीं देता था, विच इज ट्रू। तो हर चीज में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि जैसा आपने कहा कि देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, राइट? जैसा हमने सोलर एक्लिप्स की भी बात की, सोलर एक्लिप्स जो है अगर आप उसको देखेंगे
इक्लिप्स से पहले, तो या इट कैन डैमेज योर आई, सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ. और उसके बाद जो है फिर की था आगे जाकर जो एलिमेंट ऑफ ट्रूथ उसमें यह था कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो इंटरव्यू नहीं देता था. दैट इज ट्रू. क्यों नहीं देता था? That was his, he was a very personal, private person. वो इंटरव्यू नहीं देता था. अच्छा, अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, यार ये बंदा तो चांद पर गया था, उसको तो शोहरत होनी चाहिए. अब भाई, अब नील आर्मस्ट्रांग को शोहरत नहीं चाहिए, वो चांद पर चला गया, उसको शोहरत नहीं चाहिए. बाकी लोग इंटरव्यू देते हैं, बज़ ऑल्ड्रिन इंटरव्यू देता है, माइकल कॉलिंस इंटरव्यू देता है, अपोलो 13, 14, 15, 16, 17 के एस्ट्रोनॉट्स इंटरव्यू देते हैं, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग वो क्यों नहीं देता? तो देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ कि नील आर्मस्ट्रांग इंटरव्यू नहीं देता. अब उसकी दो शाखें बनी अमरीका में. शाख ये बनी कि वो ये एक छोटी सी शाख थी उस वक्त, तो बड़ा भी नहीं हुआ था, कि 1970s, late 1970s में कहते हैं वो इसलिए इंटरव्यू नहीं देता क्योंकि वो कहता है कि मैंने ये तो फेक लैंडिंग पे तो चले गए, लेकिन नासा से डील ये की कि देखिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, तो उसने कहा मैं इंटरव्यू नहीं देता. ये एक शाख है. दूसरी शाख मुसलमान कंट्रीज में ये आई कि नील आर्मस्ट्रांग जब वहां पर गया चांद के ऊपर, ये फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं कहां से, कि वो जो है मुसलमान हो गया था. तो नासा ने कहा उस जमाने में, ये बात है 80s की बात है, हमारे हम एलाइज थे अमरीका के डिफरेंट, उसमें उस वक्त ये था कि अमरीका में रिलीजियस टॉलरेंस तो है. तो नासा ने कहा कि देखें आपकी मर्जी है, आपका जो भी वो रिलीजन हो, लेकिन देखें पब्लिकली आप अनाउंस ना करें कि आप मुसलमान हो गए, राइट? तो साजिश जो है वो 80s और 90s में ये थी पाकिस्तान के हिसाब से, और खाली पाकिस्तान में नहीं बल्कि और मुसलमान कंट्रीज में भी थी, इजिप्ट में भी थी, लबनान में भी थी. आई नो दैट क्योंकि आई हैव एक्चुअली वर्क्ड अ लिटिल बिट ऑन दैट इशू, कि नासा जो है वो छुपाए हुए है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो मुसलमान हो गए थे, लेकिन वो कहना नहीं चाहते कि वो मुसलमान हो गए. उसको बहुत सारी इन्विटेशन आती थी एम्बेसीज के कि आप आके लेक्चर दें, तो वो कहते भाई मैं मुसलमान नहीं हुआ. जितना वो रिफ्यूट करते थे उतना ज्यादा जो है वो कहते हाँ इसीलिए रिफ्यूट कर रहे हैं कि वो एक्चुअली में मुसलमान है, राइट? तो ये 90s की बात थी. फिर लेकिन लेट 1990s में एक फॉक्स न्यूज जो है, आई थिंक 2000 में, उस वक्त उसने बड़ा सारा डिड वी एवर गो टू द मून, ये एक प्राइम टाइम 8 बजे शाम के वक्त यहाँ पर एक सीरीज, दो एपिसोड थे, एक एपिसोड थी, उससे ये चीजें चलना शुरू हुई. और फिर क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका से भी हालात जो हैं वो बदल गए, साजिश के उसमें गुजरा गए, तो फिर वो मर्ज हो गया कि हम चांद पर नहीं गए. फैसिनेटिंगली अब मेरे पास सवाल आते हैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर कि लोग जो हैं वो ब्लैक होल्स पर भी यकीन नहीं करते, कहते हैं कि वो भी नासा की साजिश है, राइट? तो एक जनरल एक चीज बदल गई. क्यों? तो ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसमें साथ आ रही है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उसमें साथ आ रही है. क्या करें? आई मीन आई थिंक अगेन फोकस इस चीज के ऊपर होता है कि वी हैव टू अप्रिशिएट. ये कहना कि लोग जो हैं वो बेवकूफ हैं या लोग जो हैं वो समझते नहीं है, दैट इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी, दैट इज द रॉन्ग थिंग. Intelligence actually has nothing to do with belief in these things. Ye jo chinch, agar isme science communication karni hai, we have to appreciate ki kyun log is cheez ke upar believe karte hain, kyun log ye cha rahe hain, and we have to acknowledge ki there is a reason why wo cheez jo hai wo capture kar rahi hai logon ki imagination, right? So I think agar hum इस चीज को न सिर्फ समझें बल्कि एक्नॉलेज करें, देन इट हेल्प्स मोर. मेरी एक वीडियो है इस सिलसिले में, मैंने की थी कि जमीन जो है क्यों लोग समझते हैं आजकल कि जमीन जो है वो साकिन है, जमीन नहीं मूव करती. एंड मेरे लिए पार्टली जो उसमें मैंने जिक्र किया वो इस चीज का है कि इट एक्चुअली मेक सेंस. जमीन ये बिलीव करना कि जमीन जो है वो घूम रही है सूरज के किरण, दैट एक्चुअली इज नॉट इंटुइटिव. इनफैक्ट दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आप बाहर देख सकते हैं चीजें नहीं घूम रही. आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो लोगों ने किए थे पहले भी, कि अगर आप चीज फेंकें तो वो डायरेक्ट गिरती है नीचे. नाउ देयर आर ऑफ कोर्स रीज एक्सप्लेनेशंस कि क्यों वो डायरेक्ट गिरती है, क्योंकि हमारा एटमोस्फियर जो है वो भी जमीन के साथ घूम रहा है वगैरह वगैरह. लेकिन जो अगर कोई ये कहे इंटुइटिवली कि जमीन, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर जमीन घूम रही है सूरज से गिर तो मुझे आई शुड फील इट, इट इज ट्रू, राइट? लेकिन
वी हैव टू एक्नॉलेज के इट्स अ काउंटर इंटुइटिव थिंग, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास और इतने सारे एविडेंस हैं कि क्यों जमीन जो है वह सूरज के घूम रही है, सैटेलाइट्स हैं वगैरह वगैरह, आई मीन बहुत सारे वो हैं. तो डजंट मीन के हम ये कहें कि आपका व्यू भी उतना ही वैलिड है जितना मेरा व्यू है. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि साइंस में जो चीज सही है वो सही है. आई मीन लाइक यू नो दैट इज ट्रू, कुछ चीजों के बारे में वी एक्चुअली रियली नो दैट. लेकिन हमें ये चीज एक्नॉलेज करना कि आई गेट इट कि आपका ये क्यों ख्याल होगा, क्योंकि हजारों साल तक लोग यही समझते रहे कि जमीन साकिन है. तो वी कैन गेट व्हाई समबडी वुड थिंक दैट, मगर वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड खासतौर से हिस्ट्री के हिसाब से. जो आपने सवाल पूछा था कि इसको किस तरह से समझे, मेरे हिसाब से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेहतहा इम्पोर्टेंट है, वो आपको मदद देता है. क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट्स अक्सर आई मीन आई लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग, आई एक्चुअली एंजॉय इस किस्म की बातचीत के सिलसिले में. तो मेरी बातचीत हुई एक एक्चुअली आई रिमेम्बर आई थिंक लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक मीटिंग थी, आई केम टू गिव अ टॉक, वहां पे एक साहब थे और उन्होंने एग्जैक्टली यही चीज कही कि जमीन जो साकिन है. और उन्होंने जो है वो 19th सेंचुरी की कुछ किताबों का रेफर किया. अब मैं क्लास पढ़ाता था इस सिलसिले में, तो आई न्यू के वो जो है वो अरिस्टोटेलियन या टॉलेमेक सिस्टम की वो बात कर रहे थे, क्योंकि उसमें ग्रेविटी नहीं थी. ग्रेविटी आ जाए तो सारा कुछ मसला मसाल हो जाते हैं. तो एक्चुअली आई हैड अ गुड कन्वर्सेशन, क्योंकि आई न्यू के वो किन चीजों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं विच हैव बीन पार्ट ऑफ इट हिस्टोरिकली. मैंने ये नहीं कहा कि यार आपके आपकी तो अकल का ही मसला है. अकल का मसला नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस. इट्स अबाउट के उसको किस चीज को वो एक्सेप्ट करें, किस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे. दैट हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन कि वो क्यों किस चीजों के वो एविडेंस ले रहे हैं. और अगर आपको इन चीजों का पता हो देन यू कैन एक्चुअली पुश. तो मैंने जो उनसे बात की थी वो उसी चीज के ऊपर बात की थी कि जिस तरह गैलीलियो की बात होती है, जो गैलीलियो वाज पुशिंग देम, सेम आर्ग्यूमेंट्स कि एक मिनट तो किस तरह से काम करती है जो टॉलेमेक सिस्टम है. लेट्स इमेजिन कि जमीन की ग्रेविटी नहीं है, तो लेट्स सी कि क्या होता है. सो आई मीन यू नो, सो एनीवे, सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग दैट. सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एक लिहाज से वो हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग के लोग अगर कोई इस किस्म की बात करते हैं, देर इज अ वेरी गुड रीजन कि वो ये कह रहे हैं, राइट? तो या, सो दैट्स सम वे ऑफ लॉन्ग वे ऑफ आंसरिंग दैट क्वेश्चन. अगर कोई आसान वो नहीं है, आई थिंक यहाँ पे या, सो या, सो दैट्स दैट दैट्स व्हाट आई वुड से. और सवाल अंकित पर पॉज, आप म्यूट हैं. Okay, so there is a question of Fermi paradox ke hawale se, what are the some steps to improve science communication about topics such as unknown Fermi paradox? So that's an interesting question. Okay, so Fermi's paradox, sawal ye hai ki Fermi's paradox jo hai, jin logon ko nahi pata wo ye hai ki kya abhi tak koi hamare paas koi evidence extraterrestrial life ka kyun nahi. तो ये एनरिको फर्मी एक फिजिसिस्ट थे, 1950 में उन्होंने ये सवाल उठाया कि यार किधर है लोग. राइट, आई मीन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर इसके एक्चुअली जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसका जो जवाब है लोग इसके बारे में सोचते हैं वगैरह वगैरह. लेकिन आपका जो सवाल है वो इस चीज का है कि इस किस्म के ऑब्स्क्योर या अननोन टॉपिक्स के बारे में किस तरह से सोचें. That's a tough one. इस लिहाज से कि कुछ टॉपिक्स हैं, फर्मीज पैराडॉक्स एक है, लोग वार्म होल्स की बात करते हैं, लोग पैरेलल यूनिवर्सेस की बात करते हैं. ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो पॉपुलर इमेजिनेशन में, पॉपुलर कल्चर में, जो उनको साइंस का थोड़ा सा शौक होता है, उन्होंने सुने हुए होते हैं. साइंटिफिकली इसकी कॉन्टेक्स्ट फर्क है, तो उसको किस तरह से उसका वो करें. मेरा जवाब इस सबसे में होगा कि बहुत मोहतात हो गया. अगर आप एक तरकीब ये हो सकती है कि आप रेशियो देखें, जो भी रेशियो, मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा कि ये एक एक्सप्लिसिट रेशियो होनी चाहिए, लेकिन मेरे जहन में इस किस्म की चीज होगी, क्योंकि ये सवाल जो है जो आप उठा रही हैं, ये वी हैव टू एस्क दैट. जब मैं अपने वीडियोज बनाता हूँ तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि
लोग जो है वो टाइम ट्रेवल, वार्म होल्स, इन चीजों के बारे में अक्सर जो है मांगते हैं कि नहीं आप इसके ऊपर बनाए. तो एक तरकीब ये होती है इन माई माइंड के आप 5-6 वीडियोज बनाएं या 10 वीडियोज बनाएं जो के दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद साइंस, और फिर आप एक बनाएं, देन यू कैन एक्चुअली डू समथिंग लाइक दैट, राइट? देन यू हैव अर्नड इट इन सम सेंस, ये फन टाइप ऑफ थिंग लाइक दैट. मैं जब वीडियोस बनाता हूँ आई ऑल्सो कीप इन माइंड के आई थिंक इट मे बी रिलेटेड और नॉट, मगर मैं आपको बताता हूँ कि अभी रिसेंटली वीडियो था ऑन क्राइसिस इन कॉस्मोलॉजी. दैट्स अ टफ टॉपिक, लाइक यू नो, क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन फॉलो, राइट? उसमें जो है कि हबल कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स वगैरह वगैरह, सो दैट्स नॉट एन ईजी टॉपिक. यूजली जब मेरा एक वैसा टॉपिक होता है, देन आई ट्राई टू मेक वन जो कि प्लैनेट्स के बारे में हो या सोलर सिस्टम के बारे में हो. यू कैन फाइंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हर तरफ, राइट? क्योंकि दैट ब्रिंग्स इन अ ब्रॉडर ऑडियंस, अ डिफरेंट ऑडियंस, राइट? तो ये एक और तरीका है इस चीज को बैलेंस करने का. इन द सेम वे अगर आपने इस किस्म के टॉपिक्स जो ऑब्स्क्योर हैं मगर दे गेट अटेंशन, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, डीलिंग विद इट ऑनेस्टली कि क्या चीज है, मगर आई डोंट थिंक दैट शुड बी the way to drive science communication. I think unka maqsad ye hai ki wo hota na ki agar aapne khali dessert khani shuru kar di, khali chocolate khani shuru kar di, to aapka jo hai maide ka masla hoga, to wo ya pet ka masla hoga yaar, ab maida jo hai wo ab mujhe mera khayal hai maine galat use kiya, main science communication ki baat kar raha hu, wo directly pet ka masla hota hai. to matlab ye hai ki aapko रेगुलर खाना जरूरी है, आपको सब्जियां भी खानी जरूरी है, और फिर साथ में कभी कभार जो है चॉकलेट आइसक्रीम भी खा लें तो दैट्स ओके, लेकिन इट हैज टू बी अ बैलेंस. मगर अगर खाली आप वो ड्राइव कर रहे हैं सेंसेशनल चीजों में, दैट वुड नॉट वर्क. ओके अलीजा, यू मे आस्क योर क्वेश्चन. यस, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. आमीन. You talked about bad science and it made me recall a article I read about a solar storm which might be coming because of the sun cycle might be reaching to its peak in 2025 and it can disrupt communication on Earth. So I want to know your views on it in terms of it being bad science and people using it as clickbait, or, you know, is there any reality to it? Now, great question. Absolutely, that's the problem. That's a classic, that's a great example. You see, tarah ki asteroids wali baat hai. Suraj jo hai, so again, but there is an element of reality in it. Jo main Nasir se baat kar raha tha, there's an element of reality in it. Suraj jo hai, wo cycles ke through jata hai. Uska peak season hota hai, ye total jo hai, wo 22 saal ka cycle hota hai, magar 11 saal ka cycle hota hai, jisme aap peak, aur usme jab sunspots zyada hote hain, और फिर वो काम फेस में होता है कि जब सनस्पॉट्स कम होते हैं, राइट? इनफैक्ट कभी कभार जो है आपको सनस्पॉट्स नजर ही नहीं आते थे, होते ही नहीं है उसके ऊपर. जब वो पीक के ऊपर होता है, विच वी आर गेटिंग इन 24-25, एक्चुअली हम जो है 25 में वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पीक सीजन, उसमें आपके सोलर फ्लेयर्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. ओके, फैक्ट. अच्छा, देयर इज अनदर फैक्ट. बड़े स्टॉर्म्स जो है, सोलर स्टॉर्म्स, दे कैन डैमेज सैटेलाइट. फैक्ट. ठीक है, दो चीजें सही हैं. अब क्या कोई बड़ा स्टॉर्म आने वाला है? देयर इज नो प्रेडिक्शन दैट वी नो ऑफ. हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस किस्म की चीज, खास तौर से ओवर द स्केल ऑफ इयर्स, महीनों के सिलसिले में. एक्चुअली देयर इज अ प्रेडिक्शन, क्योंकि इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है तो मिलिट्रीज वगैरह के लिए खासतौर से काफी ज्यादा इंटरेस्ट है कि सोलर जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करें. एस्ट्रोनॉट्स के सिलसिले में, अगर चांद के ऊपर जाना है या मरीख के ऊपर जाना है, चांद के ऊपर तो हमें खाली 3 दिन लगते हैं, लेकिन स्टिल दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग. दैट्स व्हाट दे वर डूइंग फॉर अपोलो, क्योंकि अगर सोलर स्टॉर्म उस वक्त होता है बड़े वाला, दैट कैन किल एस्ट्रोनॉट, राइट? आई मीन, सो दैट कुड बी रियली डैमेजिंग. बड़े सैटेलाइट्स को, आई थिंक कुछ अर्सा पहले एक स्टॉर्म जो था दैट रियली इम्पैक्टेड, और फिर एक बहुत मशहूर है, अगेन आपको यूट्यूब के ऊपर उसके सेंसेशनल चीजें भी मिल जाएंगी, कैरिंगटन इवेंट जो आई थिंक 1859 में हुआ था, जो इंडिया में भी बॉम्बे में उसकी जो है
डिटेक्शन मौजूद है वगैरह वगैरह. लेकिन इवन जो मिलिट्रीज हैं दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन इट, देयर इज अ ह्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम. इस सिलसिले में कुछ दिनों से ज्यादा की प्रेडिक्शन नहीं होती. इवन अगर कुछ दिनों की भी हो तो अगर आप वो कहते हैं कि अरोरा बोरियालिस जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं वो आपको नजर आएंगी, तो वो किस हिसाब से करते हैं उसी पर. और अक्सर वो प्रेडिक्शन जो है वो भी गलत साबित होती है क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है. राइट तो क्या फ्लेयर्स हो सकते हैं? यस. तो अब आप इस हिसाब से देखेंगे अगर समबडी सेज कि 2025 में बड़ा फ्लेयर होगा, हाउ डू वी नो दैट? हाँ, देयर वुड बी अ बिगर एक्टिविटी. यस, क्योंकि सूरज जो है वो हर 11 साल के बाद वो इस किस्म की फेज से गुजरता है. सो श्योर. मगर क्या एक इतना बड़ा फ्लेयर होगा? देयर इज नो रीजन टू थिंक दैट. राइट, सो इट हैज, सो दैट्स अ टेरिबल साइन, दैट्स क्लिकबेट. राइट, ओके. तो अगेन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रियलिटी इन इट कि सूरज जो है वो एक्टिविटी साइकिल से गुजरता है. मगर देन वी हैव टू लुक एट कि उस एक्टिविटी का क्या मतलब है, उसको किस तरह से लोग प्रेडिक्ट करते हैं, हाउ डू वी नो दैट, और फिर एक्चुअल में क्या चीज है. तो अगेन, क्या ये चीज कहीं छपी है इन अ पीयर रिव्यू जर्नल? क्या इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रेस रिलीज फ्रॉम अ मेजर स्पेस कंपनी, स्पेस एजेंसी, लुक फॉर दैट, लाइक यू नो, उसकी फाउंडेशन क्या है? तो अगेन, सो दैट्स, आई थिंक दैट वुड बी द वे टू गो. मगर डायरेक्ट आंसर उसका, क्या हो सकता है कि कोई बड़ा स्टॉर्म हो सकता है, मगर क्या उसके बारे में हमारे कोई प्रेडिक्शन मौजूद है? नहीं, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो. ओके ओके, थैंक यू. ओके, सो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मरियम, जेडब्ल्यूएसटी रिफ्यूटेड बिग बैंग, व्हाट वाज अबाउट दोज ऑब्जर्वेशंस? हां यार, आपके लिए जो है मैंने पूरी कायनाती गपशप जो है वो बनाई हुई है, आप वो चेक करें. फौज, अगर आप उसका जो है वो लिंक इसमें नीचे डाल दें. मगर मेन चीज ये थी कि कुछ गैलेक्सीज जो है वो ऐसा लग रहा था कि दे आर टू बिग टू बी फॉर्म्ड टू क्विकली बाय बिग बैंग. सो बिग बैंग अगर हुई 13.8 बिलियन सालों के बाद, तो ये कुछ गैलेक्सीज थी जो कि लग ये रहा था कि खाली कुछ फ्यू हंड्रेड मिलियन ईयर्स लेटर, 380 मिलियन ईयर्स लेटर लग ये रहा था कि दे आर फुली फॉर्म्ड गैलेक्सीज. तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इतने सारे आप सितारे बना सकें बिग बैंग के बाद. दैट वाज द आइडिया. मगर अगर आप पेपर्स में देखें या अगर आप और चीजों में देखें, प्रॉब्लम यह है कि हाउ डू यू डिटरमिन कि उसमें कितने सितारे हैं? यू हैव टू यूज मॉडल्स फॉर दैट, क्योंकि आपके पास तो खाली थोड़ी सी लाइट है. यू जस्ट हैव लाइट, देन यू आर इंटरप्रेटिंग दैट कि उस लाइट का मतलब क्या है. हाउ डू यू कन्वर्ट दोज लाइट इनटू हाउ मेनी स्टार्स? तो प्रॉब्लम ये थी, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने इमीडिएटली पॉइंट आउट किया था और जो ऑथर्स हैं उनको भी ये पता था कि ये जो एस्टिमेट है कि लाइट से कितने सितारे हैं, वो ये चीज कहलाती है कॉम्प्लिकेटेड इनिशियल मास फंक्शन. ठीक है, ये IMF. इसका मकसद खाली ये होता है, वो ये कहती है कि आपके जो सितारों की डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने छोटे सितारे हैं और कितने बड़े सितारे हैं, वो क्या है. ठीक है, ये लॉगरिथमिक है. ये उसी तरह से होता है कि जिस तरह अगर आपका ग्लास, जो पीने वाला पानी का ग्लास होता है, अगर वो टूटे तो आप ये देखेंगे कि उसमें बड़े वाले पीसेस जो हैं वो थोड़े होते हैं और बहुत सारे छोटे पीसेस होते हैं. राइट, इसको लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. और इसी तरह से सितारे बनते हैं, बड़े वाले सितारे जो हैं वो थोड़े होते हैं और बहुत सारे छोटे सितारे बनते हैं. दैट्स ऑल. लेकिन क्या रेशियो है उसका, कितने बड़े कितने छोटे? ज्यादातर रोशनी जो है आपको बड़े सितारों से नजर आती है, सो यू हैव टू एस्टिमेट कि कितने छोटे होंगे. हमारी अपनी कहकशां में, मिल्की वे में, पीपल हैव फिगर्ड आउट IMF अच्छी तरह से, क्योंकि हम इंडिविजुअल सितारों को देख सकते हैं जहां पर सितारे बन रहे हैं. मगर फिर आप और गैलेक्सीज में तलाश करते हैं और कहते हैं कि यार ये वही डिस्ट्रीब्यूशन है कि या थोड़ी सी फर्क है, और ये बहुत बड़ा टफ सवाल है. राइट, तो उस हिसाब से नियर बाय जो हमारी कहकशां यूनिवर्स है, कायनात है, उसमें लोगों ने गैलेक्सीज को देखा है, लगता है कि क्योंकि वहां पे हम मेजर कर सकते हैं. बाद में हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि आपको छोटे सितारे तो नजर ही नहीं आते, तो आपको अस्यूम करना होता है. राइट, तो बहुत सारे लोगों ने, ये कोई नई, ये कोई इनकलाबी बात नहीं, मगर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उनको ये पता था और उनका ख्याल ये था, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बड़े और छोटे सितारों की कायनात के शुरू में, वो ऐसी नहीं होगी जो
13 अरब साल के बाद है. That was expected. ये कोई ऐसी कोई हैरत अंगेज चीज नहीं कि जो कायनात के शुरू में जो डिस्ट्रीब्यूशन है सितारों की वो फर्क होगी क्योंकि इतने एलिमेंट्स नहीं है पहली जनरेशन सितारे हैं वगैरह वगैरह रीजन है कि ये बहुत बड़ी असम्पशन है अगर आप ये कहें कि यही डिस्ट्रीब्यूशन जो आज है 13 अरब साल पहले भी थी. अच्छा ठीक है मेक सेंस. वो जो पेपर्स हैं जिसमें बड़ी सारी गैलेक्सीज नजर आई वो आज की डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं मास मेजर करने के लिए. तो इसका मतलब यह कि बहुत सारे बहुत क्योंकि रोशनी है तो बहुत सारे सितारे होंगे राइट. ये मसला था. अब लोगों ने मॉडलिंग्स के जरिए एग्जैक्टली ये चीज पता की एक्चुअली लगता ये है कि उस वक्त का जो ये इनिशियल मास फंक्शन IMF वो फर्क है. मतलब ये है कि बहुत सारे बड़े सितारे बनते हैं लेकिन इतने ज्यादा छोटे सितारे नहीं बन रहे जितने आजकल बनेंगे और उसकी वजूहत है क्यों. तो उसकी वजह से वो गैलेक्सी इतनी बड़ी नहीं. प्लस उस जमाने में जो है ख्याल ये कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो ज्यादा तेजी से बने थे तो हो सकता है रोशनी उसकी वजह से भी ज्यादा हो. तो ये मसला था. तो बिग बैंग रिफ्यूटेड और इसका फिर वो फिर एक अलग ही चीज आ रही थी कि बिग बैंग ही रिफ्यूट हो गई वो तो और कहानी अलग होगी. तो ये कहानी है इस चीज की. ओके सो बिस्मा हैज अ क्वेश्चन. बिस्मा यू कैन आस्क. ओके अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर दिस इनक्रेडिबल टॉक. सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी सन के मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही थी तो सो लास्ट ईयर एक ना फरवरी में स्टडी पब्लिश हुई थी विच सेज कि अर्थ की जो है ना फिफ्थ लेयर डिस्कवर हुई थी और ना इनर मोस्ट उसे इनर कोर कहा गया. और उसके पैरेलल में एक बात चल रही थी कि अर्थ के पोल जो है ना वो अबाउट टू शिफ्ट तो उससे क्या होगा कि सन विल राइज फ्रॉम वेस्ट एंड समथिंग लाइक दीज थिंग्स ना तो एंड इज नियर इस तरह के. सो इस तरह की रिलीजियस टॉक फिर इसने साइंस कम्युनिकेशन और रिलीजन दोनों को आपस में कंपेयर करना शुरू कर दिया. सो एज अ साइंस कम्युनिकेटर हम लोग इस चीज को किस तरह डील कर सकते हैं. ओके पहला पार्ट जो होगा इस जवाब का वो तो वही होगा जो मैंने पहले कहा. ये देयर इज अ रीजन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ. एलिमेंट ऑफ ट्रूथ क्या है कि जमीन की जो मैग्नेटिक पोल्स हैं दे शिफ्ट व्हिच इज इंटरेस्टिंग. इसकी जो कहानी है वो रियली फैसिनेटिंग है. क्यों हमें किस तरह से पता है. मैं तो कह रहा हूं यही कहानी बड़ी जबरदस्त है क्योंकि ये जो मिड अटलांटिक रिज है समुंदर के नीचे जो वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं उसमें ये जब वो केबल डाल रहे थे बिटवीन US एंड इंग्लैंड यूरोप केसेस में तो उसमें उन्होंने जो है नीचे देखा कि ये मिड अटलांटिक रिज है कि यहाँ पे वो फैलाव हो रहा है प्लेट्स का. दो प्लेट्स जो हैं वो अलग अलग हो रही हैं और उसमें से वॉल्केनिक इरप्शन होती है राइट. और उस वॉल्केनिक इरप्शन में पता ये चला कि आयरन होता है ठीक है. तो वो देख सकते हैं कि पिछले 50 मिलियन साल या 100 मिलियन सालों में वो इरप्शंस होती रही हैं आयरन उसमें से निकलता रहा है. अब उस वो जो आयरन है और उसमें जो आई थिंक वो क्या कहलाता है वो मैग्नेटाइट या जो उसमें मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं दे पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल. तो दे कैन एक्चुअली सी कि पिछले 50 साल या 100 मिलियन सालों में 50 मिलियन या 100 मिलियन सालों में किस तरह से वो जो उसमें जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं हाउ दे हैव चेंज्ड ओवर द लास्ट 100 मिलियन ईयर्स वो आप देख सकते हैं हमारे सी फ्लोर के ऊपर. आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल ये चीज पता की. तो हमें ये पता है कि हमारे मैग्नेटिक पोल्स बदलते हैं नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ. अच्छा अब बहुत ही अजीब बेकार किस्म की मूवी भी थी इस सिलसिले में कि जब वो बदलते हैं तो तबाही हो जाएगी ये वो. नहीं तबाही तो नहीं भी क्योंकि हमें पता है कि स्पीसीज जो हैं जानवर जो हैं वो दे हैव केप्ट ऑन लिविंग. मास एक्सटिंक्शंस जो हैं वो इन पोल्स की शिफ्ट से लिंक नहीं. मगर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ कि पोल्स शिफ्ट होते हैं. होता क्या है उसमें ये नहीं है कि पोल जो है वो एक तरफ से बदल के दूसरी तरफ गया. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स राइट. आई मीन नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़े से शिफ्ट होते हैं लेकिन इट्स नॉट कि वो एक होता यह है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी पावर डिक्रीज होना शुरू होती है एंड देन इट जस्ट फ्लिप्स. तो मैग्नेटिक फील्ड रहता है मगर जस्ट कि उसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है.
उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे आपके लिए, ज्यादा ख्याल ये कि ज्यादा एफर्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले इतना हमें इम्पैक्ट नजर नहीं आया। सूरज की बात है, वो जो मैं 22 साल का साइकिल बता रहा था वो 11 साल का होता है और 22 साल का होता है, इसकी वजह यह कि उसमें पोलैरिटीज जो है वो रिवर्स हो जाती है, उसमें जो है वो होता है। तो ये तो पहला है, अगेन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ टू इट। अब आपका दूसरा जो पार्ट था उस सवाल का वो ये था कि अच्छा ये तो रिलीजियस उसमें आ गया, अब आप उसका किस तरह से जवाब दें। और ये चीज जो है ये अक्सर उठती है, अगर आप बात करें सूरज के मुस्तकबिल की, वो रेड जायंट होगा या कितने अरब साल लगेगा, 4 अरब साल लगेंगे या 10 अरब साल लगेंगे वगैरह वगैरह, इस किस्म की चीजों की इमीडिएटली रिलीजियस उसमें आ जाता है। अक्सर ये रिलीजियस वाला सवाल जो है दे कम अप। मेरा जो जवाब है इस सिलसिले में वो ये है कि नॉट टू एंगेज इन दैट पर्टिकुलर नैरेटिव। किस तरह से, अब ठीक है दैट्स व्हाट आई डू, कि यार आपका जो ताल्लुक है वो साइंस से है, साइंस क्या कह रही है, रिलीजियसली इट मे हैपन, मगर ये तो काम ही बिलीफ का है, राइट, आई मीन इट हैज नथिंग टू डू, वो तो है ही बिलीफ का, राइट, ये आपका काम जो है, आपका जो फोकस है वो तो साइंस की तरफ है, राइट, तो क्या रिलीजियसली ये चीज हो सकती है, एब्सोल्युटली हो सकती है, लेकिन क्या, क्योंकि वो तो है ही बिलीफ की बात, आप बिलीव करें, लेकिन क्या आपका, आप जो है यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट साइंटिफिकली कैन हैपन। अब दूसरा बंदा अगर ये कहे कि नहीं लेकिन साइंटिफिक और रिलीजियस तो कमाइन होना चाहिए, यार पता नहीं, ये तो वो तो रिलीजियस की उसमें दैट शुड बी फाइन, आपका काम जो है वो साइंस क्या कह रही है, हो सकता है किसी दिन साइंस ये कहे जो आप कह रहे हैं, इट्स पॉसिबल, लेकिन आज साइंस ये कह रही है एंड यू आर फोकसिंग ऑन आज साइंस क्या कहती है, इट्स अ टफ थिंग। आई मीन लुक, आपका जो, इट्स नॉट एन ईजी थिंग पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में, राइट, क्योंकि लोग जो है वो, क्योंकि अक्सर खासतौर से जब रिलीजियस उसमें आते हैं दे आर यूजली नॉट एस्किंग अ क्वेश्चन, दे आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन, राइट, तो वो आपसे इसलिए सवाल नहीं पूछे क्योंकि क्यूरियोसिटी है। अक्सर लोग जो है वो इसलिए सवाल पूछ रहे होते हैं क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए कि उनको जवाब तो पता है, खाली हो चाह रहे हैं कि अच्छा आप भी यही कहते, आप साइंस को पता ना यही कह रहे ना, और अगर आप वो नहीं कह रहे तो वो फिर आपसे डिसएग्री करते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये आपसे जेन्युइनली ओपनली ये सवाल पूछे क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ, राइट, एंड व्हिच इज फाइन। तो मेरा जहां तक ख्याल है, और मैं ये भी कह सकूं कि दिस इज हाउ आई रिस्पॉन्ड टू इट, डज इट सेटिस्फाई एवरीवन, नहीं, कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। अगर आपका ख्याल ये है कि ये नासिर का जो पुराना सवाल था उस सिलसिले में, कि इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई एवरीवन, मैं आपको मैजिक बुलेट दे रहा हूं कि अगर आप ये टेक्निक यूज करें आप तमाम लोगों को आप कन्विंस कर लेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, आपका जो मकसद होना चाहिए वो ये है कि वो बात करते हैं कि इस किस्म के टॉपिक्स के ऊपर कि 20% लोग जो है वो तो कन्विंस, वो तो आपके व्यू से बिल्कुल अग्री करते हैं, यू आर नॉट वरीड अबाउट दैट, मगर 60% लोग जो है वो ऐसे होंगे, दे आर नॉट श्योर, दे आर नॉट फुली कमिटेड, उन्होंने सोचा नहीं है सेंस में, दैट्स योर टारगेट ऑडियंस। और 20% ऐसे लोग होंगे, आप कुछ कह लें, यू नॉट गोना चेंज देयर माइंड, दैट्स नॉट योर टारगेट, मगर डोंट एंगेज विद देम ईदर, अनलेस यू वॉन्ट टू, right? I don't want to engage with them. So 20% log jo hai, that's fine. Magar I think it's the crucial ones are the 60% that are in the middle. Okay, so that's right. There are two last questions since the kafi session prolong ho raha hai. Aur ek question hai Noor ka, are there any real materialistic benefits of astronomy? आजको तो मैं कहूंगा कि मटेरियलिस्टिक का क्या मतलब है सिलसिले में, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इट्स अ फन, पहली बात तो ये है कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये है कि दैट इज एन ए फील्ड जो कि आपके फंडामेंटल सवालों के जवाब सवाल उठा के जवाब तलाश कर रही है। इससे बड़ा क्या सवाल होगा इंसानों के लिए कि हम व्हाट वी आर डूइंग है, कहां पे बने, कैसे, what we are doing here is a different thing, like you know, कि हम कहां से आए,
राइट लाइक नो ओरिजिन्स क्या है, ओरिजिन्स क्या है, राइट। तो मगर अगर आप मटेरियली देखना शुरू करें, श्योर यू कैन फाइंड इट, लाइक यू नो ओपेनहाइमर जो मूवी है उसका जिक्र आया अभी, लाइक यू नो, तो जो सवाल थे की क्वेश्चन वाज अबाउट बिफोर, आई मीन ओपन, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये तो बाद की बात आई, लेकिन इसका जो सवाल था दैट वाज ड्रिवन बाय कि सूरज जो है वो कैसे काम कर रहा है। पीपल आर कैलकुलेटेड एक्चुअली कि सूरज जो है वो कॉन्ट्रैक्शन से ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से सूरज की गर्मी बन सकती है, लेकिन पीपल कुड कैलकुलेट कि उसका साइज कितना है। पहले तो ख्याल ये भी था कि वो कोयला है, उसके अंदर कोयले की तरह बदलता है, बट यू कैन कैलकुलेट कि वो कितना बड़ा है, कितनी एनर्जी कोयले से बनती है। It's all science questions. These are fascinating questions. Like, अगर कोयला जैसे अगर आपने पावर करना है तो क्या कितने दिन इतना कोयला जितना उसका साइज है सूरज का, उसका वॉल्यूम हमें पता है, उसके अंदर कितना कोयला होगा, कितने अर्सा वो चलेगा, तो वो चलेगा कुछ हजार साल। तुम्हें पता है कि हमारी जो सोलर सिस्टम, हमारी जो सूरज है वो कुछ हजार साल से ज्यादा है। तो ये कहा कि अच्छा चलो ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन से कर लें, दैट केम आउट दैट्स लॉट मोर, थोड़ा सा बड़ा सा सूरज था, छोटा हुआ एनर्जी बनी, तो वो किस हिसाब से कर रहा है, दैट कैन टेक यू टू अबाउट 10 मिलियन ईयर्स, राइट। मगर पता चला कि नहीं, सेपरेटली उससे भी ज्यादा उम्र जो है, क्योंकि हमें पता है कि जमीन के ऊपर उससे ज्यादा एज है। देन आपके जो हमें पता चला कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से कि जमीन की तो उम्र जो है इट्स इन बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो सूरज की उम्र जो है वो 10 मिलियन साल नहीं हो सकती अगर जमीन की उम्र जो है वो 4 बिलियन साल है। That's one of the reasons people were trying to figure out ki yaar suraj ki source kya hai, nuclear fusion jo hai, then it gives you, so nuclear fusion jo hai, physics ki cheez hai, to astronomy jo hai that is physics of stars, like physics of universe, to ye to main aapko ek misal de raha hu, I can come up with tens of things, magar I think that falls into the wrong trap, cheez ye rahi hai ki iska materialistic fayda kya hai। By the way, Newton jo hai wo usne wo gravity ke upar usko isliye nahi soch raha tha kyunki uska koi fayda hoga, मगर आज ग्रेविटी के बगैर जो है आप सैटेलाइट्स नहीं भेज सकते, सैटेलाइट्स की वजह से आप कम्युनिकेट, मैं आपसे बात सैटेलाइट्स की वजह से कर रहा हूँ, सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है इस वक्त कम्युनिकेशंस की वो सारी ग्रेविटी की वजह से है। तो वी कैन एक्चुअली मेक एन आर्ग्यूमेंट, मगर आई जस्ट फाइंड दैट लेस इंटरेस्टिंग। इसकी वजह यह है कि इंसानों के लिए मेरा ख्याल है ज्यादा बड़ा चीज ये है कि क्यों नहीं एस्ट्रोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए, आई मीन फाउंडेशनली वी शुड बी थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि इंसानों के लिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार हम यहाँ पर आए कैसे, ये कितना बड़ा सवाल है, राइट। तो मेरा तो ख्याल है कि ये अफसोस की बात है कि एंड अगेन पीपल से तुम इसके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करते हैं, वैलिड क्वेश्चन। मैं कहूंगा कि यार इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये बड़े सवाल है, नहीं लेकिन फायदा तो नहीं हो रहा, इतने लोग जो है वो उनको खाना नहीं मिल रहा, एब्सोल्युटली आई थिंक कि अगर हमारे पास हम पैसे बचा सकें और उनको खाने के लिए दे सकें, एब्सोल्युटली हमें वो करना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप जरा अपना डिफेंस का तो बजट कंपेयर करें ना, राइट। अगर आपने पैसों अगर आप इतने परेशान हैं गरीब लोगों के सिलसिले में, तो यार थोड़े से डिफेंस के थोड़े से पैसे जो हैं वो आप उसमें से दे दें, बेचारे एस्ट्रोनॉमी का जो छोटा सा बजट है उसके ऊपर क्यों सारा शौक जो है वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लग रहा है, वो जो मिलिट्री का बजट है, और ये मैं खाली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका की भी बात कर रहा हूँ, अमेरिका का जो बजट है दैट्स क्रेजी, 800 ट्रिलियन डॉलर्स है साल का, 800 बिलियन डॉलर्स है साल का, राइट। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 20 साल में इट वाज 10 बिलियन डॉलर्स, और अमेरिका का जो बजट है वो 850 बिलियन डॉलर्स पर ईयर है मिलिट्री का। तो हमें फाउंडेशनल क्वेश्चंस की तरफ देखना पड़ता है, फाउंडेशनल फ्रेम की तरफ चेक करना होता है, ये नहीं कि एस्ट्रोनॉमी के ऊपर क्यों पैसा खर्च करें, नहीं ना खर्च करें, आई मीन वी कैन टॉक अबाउट दैट, लेकिन क्वेश्चन अदर प्लेसेस जहां पे आप पैसे खर्च कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स द वे टू थिंक अबाउट इट, एटलीस्ट दैट्स फॉर मी, लाइक यू नो, टू मी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर का मसला नहीं, मसला ये कि मिलिट्री के ऊपर क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर आपको शौक है लोगों का खिदमत करने का पॉवर्टी के सिलसिले में, दैट्स अ मच बिगर पाई, एस्ट्रोनॉमी से आप इतने पैसे नहीं बचा सकेंगे कि आप लोगों को आप, लेकिन मिलिट्री से आप बचा सकते हैं। ऑलराइट, आखिरी सवाल था फौज, नासिर हैड अ क्वेश्चन, एनीवन एल्स, कोई आखिरी सवाल है? सो अदरवाइज क्वाइट प्रोलॉन्ग और इंटरेस्टिंग रहा है काफी सेशन, इतने सारी चीजें एक साथ कवर हो गई, सो हेल्प अ लॉट। ओके, आई थिंक नासिर का सवाल था, नहीं
आई थिंक नासिर ने यहाँ पे लिखा था, मैं उसको जवाब दूं, ये मैग्नेटिक पोल्स वाला जो है, यस यस, उनका सवाल ये था कि मैग्नेटिक पोल्स के शिफ्ट की वजह से जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं अरोरा बोरियालिस, उस पर क्या असर पड़ेगा. आई मीन दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई मीन ऑब्वियसली जब मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, आई कैन नॉट, उसको आप कह सकते हैं, तो यू विल हैव मोर, ज्यादा डीपर आपकी जो है वो नॉर्दर्न लाइट्स आएंगी. मगर रिमेंबर, मैं नॉर्दर्न लाइट्स कह रहा हूँ, विच इज द रॉन्ग थिंग, क्योंकि आपने अरोरा बोरियालिस इज द राइट वर्ड, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स हैं, सदर्न लाइट्स हैं, राइट, बहुत तरीकों से आती हैं. तो बट बेसिकली शिफ्ट होने के बाद इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है, रियली डजंट मेक अ डिफरेंस फ्रॉम दैट. मगर मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक हो तो आपके पास सोलर फ्लेयर्स या सोलर रेडिएशन जो है वो ज्यादा आएगी. आई थिंक इट विल बी मच प्रिटियर. मगर देयर इज अ इंटरेस्टिंग, इससे जो सवाल होता है, तो ये एक और तरीका है सोचने का कि अगर आप इस सिलसिले में यहाँ पर ये सोच रहे हैं, तो एक्चुअली फैसिनेटिंग क्वेश्चन ये है कि मरीख के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं, क्योंकि मरीख के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दैट्स अ ह्यूज इशू, राइट. और तो ये जो पैरेलल केस है कि मरीख के ऊपर क्यों मैग्नेटिक फील्ड नहीं और जमीन के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रिवर्स होती है, वी एक्चुअली डोंट रियली नो द आंसर्स, दीज आर अनआंसर्ड क्वेश्चंस. मगर ये फैसिनेटिंग कंपैरिजन है साइंस कम्युनिकेशन के हिसाब से टू टॉक अबाउट दैट, लाइक दैट्स हाउ यू कैन. सो वो जो आई रिमेंबर फॉरगॉट, बिस्मा का सवाल था, किसका सवाल था, वो जो रिलीजन के सिलसिले में, दैट्स अनदर वे टू डाइवर्ट. आई थिंक दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि लाइक यू नो के मरीख के ऊपर जो है, हाउ डज दैट वर्क. तो यू आर नॉट engaging के जमीन के ऊपर किस तरह से है, मगर यू आर रियली ब्रिंगिंग इन टू द साइंस एलिमेंट और एन कॉन्टेक्स्ट. इसी तरह से या आई मीन वो फिर और डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, मगर जलजलों के सिलसिले में प्लेट टेक्टोनिक्स, आई मीन लाइक यू नो कहते हैं कि वो लोगों के ऊपर सजा है ये वो, मगर लाइक यू नो, मगर फैसिनेटिंगली जलजले जो हैं, दे हैव बीन कमिंग इन फॉर बिलियंस ऑफ इयर्स, दैट्स फैसिनेटिंग. सो लाइक यू नो, उसकी जो मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग रादर देन डायरेक्टली एंगेजिंग इट के वो रिलीजियस उसमें पढ़े, चीजें इंटरेस्टिंग है, फोकस ऑन दैट. ओके, सो आई थिंक वी शुड रैप अप, इट हैज बीन अ क्वाइट अ लॉन्ग, काफी लंबा सेशन हो गया, बट वी कलर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स और इतने सारे जो मिथ्स हैं बस्ट करी. सो थैंक यू डॉक्टर सलमान फॉर योर टाइम. आई वुड स्टॉप रिकॉर्डिंग. ठीक है, थैंक यू, ग्रेट क्वेश्चंस. आई मीन लाइक यू नो, सो आई रियली अप्रिशिएटेड इट. तो बहुत-बहुत शुक्रिया.